गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो श्री अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। आप सबको जो लोग YouTube पे हैं और जो लोग Google Meet पे हैं आप सबको जय श्री गुरुदेव। ये जो प्रोग्राम है गुरुदेव का गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की सिद्धियों का परिवर्तन की हम बात करते हैं अपने अनुभव की बात करते हैं और बदलाव की जो बात है उसमें अनुभूतियाँ जो बदलाव दे और व्यवहार में जो बदलाव आए उस शरीर में जो बदलाव आए और प्रश्न बदलाव के रिलेटेड जो होते हैं उससे ही हमारा ये सारा कार्यक्रम सत्संग का रहता है। गुरुदेव की बात रहती है और गुरुदेव की बातों से ही हम कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। उनकी दी हुई रेफरेंसेस और उनका दिया हुआ ज्ञान ही हम अपने मार्गदर्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने परिवर्तन को उनके शब्दों के हिसाब से। पतंजलि अष्टांग योग की रेफरेंस लेते हैं, श्री अरविंदो की रेफरेंस लेते हैं और गुरुदेव की जो ग्रंथ लिखा है गुरुदेव ने उसकी रेफरेंस लेते हैं, गुरुदेव की स्पीचेस की रेफरेंस लेते हैं और फिर उस मार्ग पे चलते हैं। यानी कि गुरुदेव हमारा मार्ग जो प्रदर्शन करते हैं वो उनकी रेफरेंसेस से ही होती है, वो सारी चीज़ें हमें वहीं मिल जाती हैं, उसी पे ही हमारा सारा जो है सेशन होते हैं सारे के सारे। ठीक है, वही चीज़ जो गुरुदेव ने कही और बताई है रेफरेंस में वही ज्ञान के रूप में अंदर से प्रकट होती है, हृदय से प्रकट होती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा और अंदर से ही आपको गुरु मार्गदर्शन करेगा। तो जो गुरु ने कह दिया बता दिया उसके लिए जो डायरेक्शन है वो अंदर से मिलती है हमें और वही बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात और बता दूँ, मैं अपडेट कर देता हूँ आपको, वो ये कि टी शर्ट्स जो है टी शर्ट्स के लिए अभी थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो टी शर्ट है इसमें मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी। वो इसलिए कि ये टी शर्ट इसमें नायलॉन है और लाइक्रा बोला क्या बोलते हैं कोई मटेरियल होता है शायद वो है, उससे क्या है कि गर्मियों में पहनने से मुश्किल हो जाएगी, गर्मियों में बहुत गर्मी लगेगी और पहन नहीं पाएंगे और टी शर्ट को तो पहनना ही गर्मियों में होता है ना। तो थोड़ा सा इस पर और थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है और जो इसकी डिज़ाइन है डिज़ाइन तो बहुत अच्छी है और लग भी रही है अच्छी, लेकिन कुछ फॉन्ट है जैसे छोटा फॉन्ट है पीछे में जो लिखा हुआ है वो फॉन्ट 10 फीट या 15 फीट की दूरी से दिखाई नहीं देता, तो लोग अक्सर क्या करते हैं पीछे से पढ़ते हैं, जब कोई जा रहा होता है तो पीछे से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो उनको दिक्कत होगी। तो वो चीज़ सैंपल में लेने के लिए उसको भी इम्प्रूव करेंगे थोड़ा, ये डिज़ाइन ठीक है अब इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और ताकि 15 फीट से या फिर 10 फीट से कोई व्यक्ति देखे तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि क्या मार्केटिंग हो रही है या फिर क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए जो गुरु भाई डिज़ाइन कर रहे हैं उनको 2 दिन चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है आप 2 दिन ले लो आराम से करो, कोई जल्दबाजी का काम नहीं करना है, हमने आराम से करेंगे, गुरु इच्छा है तो काम ज़रूर होगा, कोई बात नहीं देर होगी कोई बात नहीं, तो 2 दिन लगेंगे डिज़ाइन रीडिज़ाइन को। और मैं थोड़ी टी शर्ट्स को ये दूसरी टी शर्ट्स होती हैं अच्छी टी शर्ट जो पहनने में आपको असुविधा ना हो ऐसी टी शर्ट, अभी कलकत्ता की मार्केट थोड़ी खुल गई है तो मैं एक दिन जाता हूँ परसों या शुक्रवार या शनिवार को मैं मार्केट जाऊँगा और मैं देखता हूँ कि अल्टरनेट क्लोथिंग अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको पहनने में सुविधा हो, ऐसा ना हो कि हमने जोश में आके छपवा ली और फिर बाद में वो काम में ना लगे, ऐसा काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो सोच समझ के आराम से करेंगे। इसलिए टी शर्ट जिनको चाहिए आप थोड़ा और कुछ दिन रुक जाओ और बेहतर करते हैं इसको और डिज़ाइन को भी और
कपड़े को भी थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और कॉस्ट कोशिश करेंगे वही रखें, उसी कॉस्ट में ही हमें कोई अच्छी क्वालिटी मिल जाए, कॉटन, प्योर कॉटन या कुछ भी हो जो कलकत्ता के जो मार्केट्स हैं उसमें मैं जाऊँगा, पता करूँगा और फिर मैं अपडेट करूँगा उसको। ठीक है, तो कुछ दिन और रुक जाओ, इतने दिन रुके, कुछ दिन और रुकने से अच्छी चीज़ हमारे पास आएगी, ताकि वो कंटिन्यू हो चीज़। ठीक है, चलिए। अच्छा ये रहा, अब कोई प्रश्न आपका हो, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप बताइए, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हो। सेक्स दे जय श्री गुरुदेव जी। ध्यान कर रही थी तब मुझे आज्ञा चक्र पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। आज्ञा चक्र पे क्या दिखाई दिया? पता नहीं, कुछ लिखा था, 3-4 लाइन थी। 3-4 लाइनें लिखी हुई थी, पढ़ा नहीं? नहीं, वो उल्टी थी, पे हम लिखते वो उल्टा पत्ता फोड़ते ना, अच्छा उल्टी गुजराती भाषा होती वैसे उल्टी थी। मैंने कहा ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हाँ। वो फिर सही बात, वो एकदम चला गया। अच्छा, समझ में नहीं आया आपको? नहीं, अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप और ध्यान करो, अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, अगर कुछ है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बहुत सारे पत्ते चलते थे, अब लिखा हुआ दिखाई दे रहा। पहले क्या चलते थे? पत्ते? हाँ, किताबों के होता ना वैसे ओ लिखे हाँ, हुए अच्छा चलते। अच्छा अच्छा पहले आपको लिखी हुई चीजें दिखती थी, अब जो है आपको लिखा हुआ दिखने लग गया, तो अच्छी बात है बेटा, ये अच्छी बात है। ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव होते हैं जब लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन समझ में आए नहीं आए, कौन सी भाषा है, ये अभी थोड़ा और समय दो अपने आप को, ध्यान में थोड़ा और शांत होने दो मन को, और फिर वो समझ जाएगा चीज़ों को। ठीक है, फिर बताना आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ध्यान करते तब सर्दी लग जाती, आधे घंटे तक रहती, बाद में ठीक हो जाती है। नहीं, सर्दी मतलब शरीर में कंपन लगती है या नाक नाक सुरसुरी जो लगती है ठंडा वैसे ही है? नाक से लगती। अच्छा, और फिर ठीक हो जाती है, हाँ, ये भी अच्छी बात है। देखो, गर्मी भी लगती है बहुत, ध्यान में बहुत गर्मी लगती है, और सर्दी भी बहुत लगती है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो बदलाव होने होते हैं ना, हमारा शरीर जो प्रकृति के साथ रीसेट होना होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, और बड़ा लंबा प्रोसेस है ये, छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, धीरे 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 ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। छींके भी बहुत आती है। ध्यान के समय? हाँ, अच्छा, तो पहले, इससे पहले कोई तुम्हें कोई जल्दी सर्दी लगना, ठंड लगना, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी पहले? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी तो? नहीं। अच्छा, अभी भी तो तुम्हारा नाक बैठा बैठा सा लग रहा है, हाँ अरे क्या सर्दी लगी हुई है? हाँ चलो ठीक है, ठंडी लग रही है, बारिश बारिश हो रही होगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। नहीं, इधर तो नहीं हो रही है। अच्छा, तो यहाँ ठंड पड़ रही, वहाँ ठंड लग रही तुमको? हाँ चलो बेटा, अपना ध्यान रखो। डिलीवरी हो गई? ब्लॉक क्यों किया? मैंने ब्लॉक नहीं किया, मुझे ब्लॉक आया ऊपर। अच्छा बेटा, एक ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो आप? नहीं, ठीक है, ओके, जय जय श्री गुरुदेव। श्री गुरु। एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। कॉलिंग बेल अभी बजा था ना, कुछ सामान रखा हुआ है नीचे, बाहर देखा? तो मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क
ये फोन ये ब्लॉक हो गया था क्या नंबर? नहीं, ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक हो गया था। अभी तो फोन किया है, ये गलती से देखो। एक इधर आ, इधर आ, इस नंबर पे फोन करो, इस नंबर पे फोन करो और उसको कहो हेस्टी टेस्टी के पास में आ गए, ठीक है, बात करना उससे। चलिए जय श्री गुरुदेव। एक्चुअली कोई आने घर घर आ रहा है कोई, तो उसे घर नहीं मिल रहा, तो इसलिए मुझे थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ेगा जब फोन आएगा तो। अच्छा तो हाँ जी, प्रश्न था यूट्यूब पे, यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है, मैं देख लेता हूँ अगर कुछ है तो। अच्छा देखिए, 6:30 बजे से लेकर 6:15 मिनट पे जनरली सेशन ऑन होता है, ठीक है। कोशिश तो 6 बजे से मेरा शुरू हो जाता है प्रिपरेशन, 6:15 मिनट तक आप लाइव हो जाता है, ये यूट्यूब पे लाइव हो जाता है, और गूगल मीट पे लाइव होने के लिए थोड़ा समय 5 मिनट और लग जाता है, 6:20 पे हो जाता है। तो इतने समय में, जितने समय चलता है उतने समय में गुरुदेव का कोई वीडियो, उनकी स्पीच चलती है, ठीक है। 6:30 बजे, ठीक 6:29 मिनट पे मेडिटेशन शुरू हो जाती है गूगल मीट पे। 6:29 मिनट के बाद में कोई लॉगिन करे तो उसको अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ध्यान में बैठता हूँ वहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, गुरुदेव की वाणी चलती है स्टार्ट में, और 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो आपको कोई दिखेगा नहीं यहाँ पर बैठा हुआ। वो इसलिए कि मैं खुद भी ध्यान करता हूँ नीचे बैठ कर, और हम सब एक साथ ध्यान करते हैं। तो केतन कुमार जी पूछ रहे हैं कि कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि उस समय ध्यान चलता है 6:30 से 7, कोई लॉगिन नहीं होता। गूगल मीट पे कोई लॉगिन करेगा तो अप्रूवल हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ध्यान में हूँ, तो इसीलिए दिखाई नहीं देता। तो आप सब लोग, जितने भी लोग ध्यान करते हो, ये बात जो नए जुड़े हैं ये उनके लिए है कि 6:30 से 7 बजे तक ध्यान का समय है, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रश्न है, बबली भारद्वाज जी का प्रश्न है, तकरीबन कुछ महीने से पेट में तेज दर्द है, गुरुदेव से बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव के मंत्र का जाप किया, दर्द में आराम नहीं आया, दुर्गा माता का मंत्र और प्रार्थना करते ही मेरे पेट दर्द ठीक हो गया, ऐसा क्यों? देखिए सिद्ध योग की जो साधना है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, कि जो विश्वास होता है ना वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है विश्वास, इतना सूक्ष्म कि हम उसे कई बार देख नहीं पाते। अब देखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, पेट में दर्द हुआ, ठीक है, आपने गुरुदेव का ध्यान किया, मंत्र जाप किया, पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव है, दुर्गा, दुर्गा माँ का मंत्र आपके पास अल्टरनेटिव है कि इससे नहीं हुआ तो इससे हो जाएगा। ये जो सूक्ष्म विचार है ना, ये बहुत बहुत नीचे गहरा रहता है। जो भी सिद्ध योग का साधक है, जो भी सिद्ध योग की साधना करता है, उनको एक बात बड़े ध्यान से अच्छे से, अगर आप सच में साधना कर रहे हो, अगर आपको गुरुदेव की ये बात समझ में आती है कि मैं तुम्हें रोग मुक्त नहीं, मैं तुम्हें जीवन मुक्त करने आया हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि पेट का दर्द एक तरह का रोग है, ठीक है। और तुम अगर मुझसे पर्पस से जुड़े हो कि रोग ठीक हो जाएगा सिद्ध योग में आके, होते हैं रोग ठीक, ठीक है, लेकिन ये जो टिकट है ना सिद्ध योग की, ये टिकट पे लिखवाना पड़ता है लास्ट स्टेशन, मोक्ष। जो साधक इस स्टेशन का नाम लिखवा के यात्रा करेगा कि गुरुदेव मुझे वहाँ ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, मोक्ष ले जाओ, ठीक है, जिसने ये टिकट ले ली और वो बस में चढ़ गया, इस यात्रा में आ गया, उसके पास कोई भी अल्टरनेटिव हो तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।
अब अल्टरनेटिव खत्म होने का मतलब है कि मुझे कितनी भी दुख या तकलीफ या दर्द होगी, मैं मेडिसिन तो ले सकता हूँ लेकिन मैं किसी दूसरी शक्ति का सहारा नहीं ले सकता। इस टिकट का ये मतलब है, ठीक है। तो गुरुदेव, अगर और एक चीज़, सिद्ध योग में जितने भी साधक हैं सबको ये समझना चाहिए कि सिद्ध योग आगे कैसे बढ़ता है। जीवन की कठिन परिस्थिति जैसे ही आई, समझ लो कि आगे बढ़ने वाले हो सिद्ध योग में। जीवन की कठिन परिस्थिति आई तो समझ लो आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ये जो यात्रा है ये सारी परीक्षा है, कुछ नहीं है, यात्रा कुछ भी नहीं है। असल में यात्रा कुछ भी नहीं है, यात्रा हर समय परीक्षा की है। बस आपके शरीर की परीक्षा होगी, आपके मन की परीक्षा होगी, आपके प्राणों की परीक्षा होगी, ये तीन की परीक्षा आपको देनी ही पड़ेगी। शरीर में दर्द होना, व्याकुलता होना, घबराहट होना, हृदय पल्पिटेशन होना, ये सारी चीज़ें सिद्ध योग की साधना में आती हैं। आप अगर बदलाव की बात कर रहे हो तो किस बदलाव की बात कर रहे हो? वो बदलाव क्या है जिसकी हम बात करते हैं? कैसे आएगा कोई चीज़ अगर बदलाव करनी हो? मेरे पास एक मूर्ति है, वो मूर्ति में तो ये घंटी बनी हुई है, मूर्ति में ये मूर्ति बनी हुई घंटी में, मैंने इसको चेंज करना है, मैंने इसको कुछ और बनाना है, चम्मच बनाना है इसका, तो मुझे इसको तोड़ फोड़ के कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो आपका शरीर जैसा है वैसे में से बदलाव होगा इसमें। जो कोष हैं, जो भौतिक भौतिक जगत हैं आपके, उनमें चेंज होगा। चेंज होने के लिए बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स होती है, गले में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, गला सूज जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल सूज जाते हैं, दर्द होता है, ठीक है। पेट का जब, मणिपुर का जब काम होता है, गर्मी बढ़ जाती है पेट में, हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है, लूज मोशन भी लग जाते हैं, जब नीचे काम चलता है तब भी प्रॉब्लम होती है। अब ये जो प्रश्न है ना आपका, ये बड़ा बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि आपके पास बैक में है कोई सेफ्टी करने वाला। अगर आपने जंप किया है ना ऊपर से, तो आपको पता है कि अगर नहीं बची तो पैराशूट खोल लूँगी, पैराशूट की ऑप्शन है आपके पास। और ये साधना में एक ना एक बार तो इंसान को मरना ही पड़ता है। एक ना एक बार मरने का अर्थ है कि जब तक मरोगे नहीं तब तक द्विज बनोगे नहीं। इसका अर्थ है कि भाव रूप से मृत्यु एक बार जरूर होती है साधक की, एक बार मृत्यु जरूर दिखती है कि अब मैं मर गया, अब नहीं मैं बच सकता। क्योंकि द्विज का अर्थ है आत्मा का जन्म होना। आत्मा का जन्म होने से रोकने वाला सबसे बड़ा जो अवरोध है वो है आपका शरीर। आपके शरीर का मोह आपकी आत्मा को जन्म होने ही नहीं देता। मृत्यु भय सताता है, भयंकर मृत्यु भय सताता है, बिना वजह बिना कारण मृत्यु भय सताता है। इसकी उदाहरण भी अगर आपको चाहिए तो आप गुरुदेव का जीवन देख लो। उनकी आत्मा का जागृत होने का समय था, अकारण मृत्यु भय पैदा हो गया, ठीक है। अब यही मृत्यु भय आत्मा को जन्म भी देता है और यही मृत्यु भय आत्मा को जन्म होने से रोकता भी है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तकलीफ तो शरीर में होती है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलता हूँ। मेरे पास बैक हैंड में ना एक मंत्र है जिसकी मुझे बहुत अच्छी विधि पता है, जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और गारंटी 41 दिन में ठीक होती है। 41 का गारंटी 3 दिन में ठीक होती है, चाहे कैंसर हो, एड्स हो। वो है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सिद्ध मंत्र है। सिद्ध मतलब ये चेतन मंत्र है, ये ऑलरेडी चेतन मंत्र है। अगर किसी को महामृत्युंजय मंत्र की विधि पता चल जाए तो मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। वो ऐसी प्रार्थना है भोलेनाथ की कि भोलेनाथ उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन एक कंडीशन है उस मंत्र के अंदर में,
कि एक बार अगर सही से नहीं किया तो जीवन भर ट्राई करते रहना हो नहीं सकता, वो एक ही मौका मिलता है जीवन में बस। लेकिन अगर वहाँ चले गए तो फिर यहाँ रास्ता आपको मिलने वाला है, फिर रोग मुक्त तो आप हो जाओगे लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र आपको रोग मुक्त करता है, जीवन मुक्त नहीं करता। ठीक है, तो अब अगर मुझे वो चीज़ पता है, मेरी माँ को मैंने ठीक होते देखा है कैंसर से, तब मेरे को गुरुदेव के बारे में पता नहीं था, और भी रोग मैंने ठीक होते देखे हैं महामृत्युंजय से। आज वो मंत्र जो है, जो विधि जो है, उसको लॉक करके मैंने अपने सीने की बहुत गहराइयों में डाल दिया, किसी भी स्थिति में वो मंत्र बाहर नहीं आ सकता, किसी के लिए भी नहीं आ सकता, पूरी दुनिया भी अगर को भी ज़रूरत हो ना उस चीज़ की तो वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र गुरुदेव का संजीवनी मंत्र है। मैं ये कहता हूँ अपने फुल होशो आवास में, ये बात कहता हूँ, भोलेनाथ भी बैठे हैं बाबा गंगाईनाथ के रूप में, कि संजीवनी मंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संजीवनी मंत्र सारे मंत्रों से, किसी भी देवी देवता का कोई भी मंत्र है, संजीवनी मंत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको पूर्ण विकास की तरफ लेके जाता है, और पूर्ण विकास की तरफ जाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, हर घड़ी आपकी परीक्षा है, ये तो पेट दर्द है, मृत्यु ऐसी बीमारी जो मृत्यु को सामने खड़ा कर देगी, इससे तो तू मर जाएगा। अब बोल, करेगा महामृत्युंजय मंत्र या फिर करेगा गुरुदेव का मंत्र, तो फिर आपको चूज़ करना है कि आपके पास बैकहेंड में कोई चीज़ है कि नहीं। आपके पास दुर्गा जी हैं तो फिर सिद्ध योग, और ये बात आप सोचते हो कि ये पेट दर्द आपको हुआ, चलो किसी प्रॉब्लम से हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन आपको लगता है कि ये सिद्ध योग का हिस्सा नहीं था, वो अंदर जो मानस है ना, वो मन जो है ना, वो और जो कुंडलिनी अंदर है, वो आपकी हर इन्फॉर्मेशन को जानती है, आप नहीं जानते कुछ भी, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो सब कुछ जानती है, सारे जन्मों का जानती है, आपका पूरा व्यवहार जानती है, आप नहीं जानते, हम खुद अपने आप को अगर लिखेंगे हम कैसे हैं तो हम लिखेंगे हम अच्छे हैं, हम दयालु हैं, हम प्रेम से बात करने वाले हैं, ये हैं वो है, लिखेंगे, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से हम अपने बारे में नहीं जानते, और जानते भी हैं उसको तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते, लेकिन कुंडलिनी वही चीज़ों को बाहर निकाल के लाती है जिसको हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, जो हमारी कमजोरियाँ हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ही हमारे सामने लेके आती है परीक्षा के रूप में। तो अगर वो परीक्षा में सफल हो जाओगे तभी वहाँ से आगे बढ़ पाओगे, और जब तक ध्यान धारणा पक्की नहीं होती तब तक आपका कभी भी ध्यान नहीं लग सकता। ये साफ गुरुदेव के शब्द हैं कि जब तक धारणा पक्की नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपकी धारणा ये है कि गुरुदेव के मंत्र से नहीं फ़र्क पड़ता, दूसरे मंत्र से मुझे फ़र्क पड़ गया, ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो गया, तो इसका जवाब आपके पास खुद ही है कि आपकी धारणा दुर्गा पे ज़्यादा पक्की है। मंत्र तो वो भी ठीक करता लेकिन आपकी धारणा दुर्गा पे ज़्यादा है, आपका विश्वास माँ दुर्गा पे ज़्यादा है, इसीलिए वो काम कर गया। इसी तरह से हम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी धारणाएं हैं और वो धारणाएं ज़्यादा पक्की हैं। इस धारणा को तोड़ना और इस धारणा को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद अपने जीवन में ये महसूस किया, 5 वर्ष लगे मुझे, 5 वर्ष एक धारणा को बदलने के लिए कि महामृत्युंजय मंत्र मेरे लिए अभी नहीं है, मेरे लिए गुरुदेव है विशेष, गुरुदेव का मंत्र विशेष है, गुरुदेव की आराधना विशेष है, और जिस भोलेनाथ की आराधना मैं करता हूँ उसे तो मैंने पा ही लिया है, वो तो बैठे ही है मेरे घर में बाबा गंगाईनाथ। अगर भोलेनाथ कोई और है और बाबा गंगाईनाथ कोई और है तो फिर किसी भी साधना का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साधना में कोई फल हो, मोक्ष हो, नहीं हो, अगर बाबा गंगाईनाथ भोलेनाथ नहीं है तो फिर साधना का कोई अर्थ नहीं। तो भोलेनाथ को पाने की तो इच्छा ही खत्म होगी क्योंकि वो तो स्वयं ही आ गया,
गंगा ही नाथ बन के वो स्वयं ही आ गया। अब भोलेनाथ को पाने की इच्छा नहीं रही, उसको पा लिया मैंने, आप सबने पा लिया भोलेनाथ को। अगर अभी भी आपको भोलेनाथ बाहर नजर आते हैं या कोई और नजर आते हैं बाबा गंगाईनाथ के अलगा, तो भी आपकी धारणा पक्की नहीं है, तो भी ध्यान नहीं लगेगा। और अगर गुरुदेव के अलावा कोई और दूसरा परब्रह्म है, कोई शक्ति है आपको लगता है, शक्तियां सारी हैं, क्यों नहीं है, देवी देवता है, क्यों नहीं है, लेकिन आपकी धारणा में कौन है? अगर आपकी धारणा गुरुदेव पे पक्की नहीं है तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। खड़े रहो, खड़े रहो अपनी धारणा लेके। जो हुआ था राजा जी के साथ, कौन थे, राजा जनक, जनक 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 राजा जनक, जो हुआ था राजा जनक के साथ वही हमारे साथ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए साधना में समय लग रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसीलिए बदलाव की तरफ नज़र नहीं जा रही हमारी। और सिर्फ अनुभूतियाँ जो हैं वो मानस में बहुत गहरा है, मन मन जो है, जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक मन, जिसको आध्यात्मिक मनोमय कोश जिसे कहते हैं, हर कोष की अपनी विशेषता है। स्थूल अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में तो बहुत मुश्किल है, मनोमय कोश में, मनोमय कोश एक तरह का दलदल है। ये मनोमय कोश को पार करना ही महत्वपूर्ण है। आपकी धारणा जो है इसके बाद ही पक्की हो सकती है, इससे उठ के ही पक्की हो सकती है। मन में हजारों चीज़ें आपको ग्रसित करती है, बैठे बैठे ये वो सारी दुनिया के विचार, वो सारा मनोमय कोश है। जब तक मन शांत होके नहीं बैठता, उन्मना होके नहीं बैठता, तब तक ना कोई ध्यान है ना कोई योग है। ये साफ बात है गुरुदेव कि मनोमय कोश से बाहर निकल के ही मन शांत होता है। वो अपने घर में शांत नहीं है, वो तो उसका राजत्व है। मनोमय कोश तो उसका अपना अखाड़ा है, वहां पे उसे कोई हरा नहीं सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ वहां से निकाला जा सकता है। जो ऋषि अरविंदो ने जो बात कही है नीरवता की, एक मिनट मैं नरहरि भाई का माइक म्यूट कर रहा हूँ, जो नीरवता की बात कही है ऋषि अरविंदो ने, वो मनोमय कोश को ही कहा है कि जो साधक मनोमय कोश से बाहर निकल जाएगा वही अध्यात्म में प्रवेश करेगा, वही सुपर माइंड में प्रवेश करेगा, और उसी की धारणा पक्की होगी। क्योंकि मन में बहुत सारी धारणाएं हैं, मन में ही है सारी धारणाएं, सारी धारणाएं मन में है। मैं मन से मानता हूँ भाई, मैं मन से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, सच्चे दिल से अपना दोस्त मानता हूँ। या मैंने मन में मान लिया कि श्री कृष्ण मेरे भाई हैं, बहनें होती हैं ना तो वो कृष्ण को भाई मानती हैं, मन से तो मानती हैं। कहते हैं ना मानस पुत्र, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कौन है पता है आपको? होते हैं मानस पुत्र। तो मानस पुत्र मतलब जिसकी मन से स्थापना हो। नारद जी मानस पुत्र कहते हैं। तो वो मानस पुत्र का अर्थ कोई बताएगा? धारणा, मानस का मतलब है धारणा, धारणा पक्की है कि ये मेरा, यही मेरा पुत्र है। उसमें ब्लड रिलेशन की अहमियत नहीं रहती, ब्लड रिलेशन की अहमियत सबसे कम होती है एक्चुअल में। जब आप ऊपर उठते हो ना, शरीर से ऊपर उठते हो, तो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण जो है वो है ब्लड रिलेशनशिप्स। कौन बेटा है कौन बेटी है, एब्सोल्युटली जीरो आफ्टर मनोमय कोश, कोई फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्युटली। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर ब्लड रिलेशनशिप्स मनोमय कोश से ऊपर उठ गए तो आप आनंदमय कोश में प्रवेश ही नहीं कर सकते, ज्ञान में प्रवेश ही नहीं कर सकते। ज्ञान बैलेंस है, बिल्कुल भेद नहीं करता, वो तुला होता है ना
मेजर करने वाला वो भेद नहीं करता कि कौन मेरा, एक तरफ मेरे बेटे को बिठा दो, एक तरफ किसी दूसरे के बेटे को बिठा दो। तो जब तक मैं भौतिक में हूँ तब तक मैं अपने बेटे वाला ही कहूँगा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंजीनियर ये वो सो डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, उसका दिमाग तेज चले, वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ये रहे वो रहे, खाए पिए दौलत, वो पलड़ा झुक जाएगा। जैसे ही वो ऊपर उठा तो उसका ब्लड रिलेशनशिप में और दूसरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, दोनों ही आत्मा है, दोनों अपने आप सर्वाइव कर, दोनों की लाइफ इंपॉर्टेंट है। और मेरे बेटे के प्रति तो शायद हल्का ही हो जाए, क्योंकि मैं कहूँगा कि जैसे मैंने अपने जीवन में देखा कि महत्वपूर्ण क्या है साधना, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये कहीं पैसे के पीछे ना पड़ जाए, ये कहीं बाहरी कामयाबी के पीछे ना घूमता रहे। ये न्यूटन को याद रखे हमेशा, न्यूटन बहुत कामयाब इंसान, आइंस्टाइन बहुत कामयाब पुरुष रहे हैं। कोई भी माँ बाप चाहेगा मेरा बेटा आइंस्टाइन जैसा बने, मेरा बेटा इतना दिमाग वाला बने, लेकिन आइंस्टाइन ने लास्ट में क्या कहा कि मैं असली सत्य से अनभिज्ञ ही रह गया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा आइंस्टाइन बन जाए, मैं चाहता हूँ कि वो अपने सत्य से जाने सत्य को। तो अगर ये उसको सत्य जानना है तो उसको स्वयं अंदर से जानना पड़ेगा, इसमें मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसमें गुरु मदद कर सकता है उसकी। तो उसको छोड़ना पड़ेगा गुरु के सहारे। मैं बार बार गुरु को, गुरुजी बच्चा वेल ना हो जाए जरा देख लो, ये वो गुरु तो है नहीं मास्टर जी, बाहर वाले मास्टर जी, ये तो अंदर वाले मास्टर जी हैं, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया मैंने, अब आप इसको सत्य की तरफ लेके जाओ। जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं इसको देखनी है, उसको देखनी है, क्योंकि वो इसका मार्गदर्शन करेगी। इसके पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आप वेलकम हो, आप जैसा इसको चलाना चाहते हो वैसे ही चलाओ। हम हर चीज़ में आपको मान के चलेंगे, आप में धारणा मान के चलेंगे कि इसका मार्गदर्शन होने के लिए ये तकलीफ ये दुख आने ज़रूरी है। हम संयम रखेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, अपनी तरफ से बाहरी कोशिश जो दवाई की हो सकती कर सकते, लेकिन हमारी धारणा आप में पक्की रहेगी, क्योंकि हम सब आपकी शरण में हैं, पूर्ण परिवार आपकी शरण में है, हमारी धारणा सिर्फ आप हो। तो यहाँ से अगर आप उठ गए तो आप ऊपर हैं, फिजिकल लायबिलिटी से ऊपर उठ जाना है। फिजिकल लायबिलिटी से ऊपर उठना ही चेतना का ऊपर उठना है। तीन नीचे के तीन कोश ही हमारे भाव भाव हैं, हमारे फिजिकलिटी के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, अगर मेरी मृत्यु होगी मेरी साधना क्या है। अब साधना रुकने वाली नहीं, मनोमय कोश से ऊपर की साधना रुक नहीं सकती। आप जब चेतन हो गए हो, बिल्कुल पूर्ण चेतन हो गए हो, तो फिर आपको पता है कि आपने शरीर छोड़ दिया है, अब आपने नया शरीर धारण करना है, ये आपके गुरुदेव है, वो आपको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ने आपके शरीर को तो पकड़ा ही नहीं है। गुरुदेव ने ये चेहरा देख के नहीं पकड़ा हुआ, अगर वो चेहरा देख के पकड़ते तो फिर भौतिक जगत एक बार चेहरा गया, शरीर गया, तो फिर गुरु को ढूंढेगा कैसे, ये वो चेहरे वाला कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो गुरु ने आपको अंदर से पकड़ा हुआ है, आत्मा को पकड़ा हुआ है। तो ये शरीर अगर चला भी जाता है तो आत्मा कहाँ गई है, वहाँ पकड़ी हुई है गुरुदेव ने वो। तो किसी भी जन्म में वो जाएगी, किसी भी शरीर में जाएगी, गुरुदेव ने उसको पकड़ा हुआ है, यानी कि उसने पकड़ा हुआ है जो यहाँ बैठा है, कनेक्शन हो गया उसका। अब वो नेचुरली मैग्नेट उसकी तरफ जाएगी ही जाएगी, गुरुत्वाकर्षण है, ये ऊपर उठेगा ही उठेगा, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण फेल हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठता है, ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरु तत्व का आकर्षण है। तो गुरु तत्व क्या है, स्वयं परब्रह्म है, इसका एक बार आकर्षण हो गया तो बस ये फिर ऊपर ही उठेगा। तो फिर किसी जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार आपको वहां से ऊपर उठ जाना है, अपनी धारणा को पक्का करना है। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी तब तक आप गुरुदेव से कनेक्ट नहीं हो सकते, फिर पेट दर्द सिर दर्द कुछ ठीक नहीं होने वाला। गुरुदेव की आराधना करके थोड़ी कोई चीज़ मांगोगे तो वो मिल भी जाती है, लेकिन वो आपको आगे नहीं लेके जाएगी। सबके साथ होता, हर किसी के साथ परीक्षा होती है, मेरे घर में भी परीक्षा चल रही है इस समय, बस दिखनी चाहिए कि ये आपकी परीक्षा है। और अपनी क्रियाओं पे, अपने असेंशन पे बहुत क्लोज निगाह रखो कि ये क्रिया हुई थी तो दर्द हो सकता है उस जगह पे, इस जगह पे हो रही है क्रिया तो यहाँ पे दर्द हो सकता होगा,
बहुत कठिन कठिन दर्द होते हैं, बहुत मुश्किल दर्द होते हैं, बहुत मुश्किल दर्द होते हैं, दवाई से जल्दी ठीक नहीं होते, वो माँ अपने आप ठीक करती है फिर उसे। और ये मैंने साक्षात्कार की हुई है, ये सारी चीज़ें अभी भी कर रहा हूँ मैं। और अभी जिस इस समय मेरे शरीर में जहाँ जहाँ पेन है मुझे पता है कि कहाँ है क्या है, और मुझे पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे पेन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्रिया हो रही है और वहाँ पेन होता है। अपनी साधना को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका आपकी धारणा पक्की हो जाए। मुझे बड़ी अच्छी बात आज मैंने की थी अपनी वाइफ के साथ कि यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती ना, हम उस पर यकीन नहीं करते। आपके अंदर माँ कुंडलिनी जागृत है, कार्य करती है, लेकिन आपको यकीन नहीं है। जो चीज़ बाहर दिखाई दे जाए वही उसी चीज़ का यकीन है। गुरुदेव दिखाई नहीं देते बाहर, इसीलिए यकीन नहीं होता कि वो परम शक्ति अंदर है। कुंडलिनी साक्षात जागृत होकर कार्य करती है फिर भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। बाहर जो चीज़ दिखाई दे वही उसी चीज़ पे यकीन है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो चीज़ दिखती नहीं उस पर विश्वास नहीं करते। ये सांख्या योग है, तामसिक योग कहते हैं सांख्या योग को। गुरुदेव ने तामसिक योग की संज्ञा दी है, सांख्या योग। सांख्या योग क्या है आपको मालूम है? कई तरह के योग हैं, उनमें से एक सांख्या योग है। सांख्या योग का जो मूल उद्देश्य है वो कहता है कि जो प्रदर्शित है वही सत्य है, ठीक है। और ये कोई गलत बात भी नहीं है कि जो प्रदर्शित है वो वही उसे ही मानना चाहिए हमें, लेकिन वो अप्रदर्शित को मानते नहीं, वो कल्पना मानते हैं उस चीज़ को। ये उस और कलयुग में इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं जल्दी। और लोग कहते हैं आज सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है भगवान के लिए, पता है? क्या भगवान है? ये कॉमन क्वेश्चन है ना सबको, क्या भगवान है सच में? ये सांख्या योग है क्योंकि इसमें भगवान दिखता नहीं, हमें दिखता नहीं। नॉर्मल आदमी को भगवान क्यों दिखेगा, ऐसे कैसे दिख जाएगा भगवान, बोलिए? उसको पाना अगर पहले दिख जाएगा फिर उसको करना है तो फिर वो सांख्या योग का हिस्सा हो जाएगा, फिर वो खुद भी बेचारा बड़ा ये है। अगर भगवान पहले दिख जाए अपनी आराधना करवाने के लिए तो समझ लो कि भगवान बेचारा इनसिक्योर हो गया, भगवान खुद इनसिक्योर हो गया कि अगर मुझे किसी ने नहीं माना तो दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, सारा कुछ हो जाए, लेकिन वो तस्मस नहीं होता क्योंकि उसको जानता है कि जिसे मैंने बनाया है वो जिस जहाँ से भी प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान है कि नहीं, वो बिल्कुल नीचे स्थूल शरीर का क्वेश्चन है, स्थूल शरीर का क्वेश्चन है। मैं इंसान हूँ, बढ़िया हूँ, जब तक सांसें बिल्कुल बैलेंस चल रही है ना तब तक मेरी चेतना स्थूल शरीर में रहती है। जैसे ही थोड़ी सांस रुकी फिर डर जाते हैं कि अब क्या होगा, यहाँ से शुरू होता है काम, डर से शुरू होता है सारा काम। अब इस डर को कैसे कोई यूज़ कर सकता है, वो कलयुग है। तो आपको जो प्रत्यक्ष नहीं हो रही चीज़ें वो हैं, इस बात की धारणा आपको पक्की करनी पड़ेगी। गुरुदेव शरीर नहीं बल्कि वो एक परम तत्व है, और जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं वो सारी की सारी सत्य और बड़े हाई लेवल की हैं। आपको सिंपल, उन्होंने सारी चीज़ें पहले वो कहते थे जब उन्होंने शुरू किया ना, सारा कुछ कहते थे, बाद में उन्होंने सिंपल कहा कुंडलिनी जागृत, वो खुद कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होगी, योग कराएगी। फिर उन्होंने बाद में लोगों के प्रश्नों को सुन सुन के उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कुंडलिनी जागृत हुई है कि नहीं हुई है, तुम्हें नहीं सोचना है कुंडलिनी जागृत हुई है, कुंडलिनी को छोड़ दो, बस तुम नाम जपो। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ध्यान भी मत करो, चलो सिर्फ नाम जप लो। इतनी लीनियंसी, इतनी दया। पहले तो वह पहले बहुत सिंपल था योग कि नाम जप और दो समय का ध्यान कर लो बैठ के। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, मैं आदमी का ध्यान क्यों करूँ यहाँ पर, मैं भगवान का ध्यान करूँ? वो भगवान जिसको उसने देखा नहीं उसका ध्यान करना है उसको, गुरु का ध्यान नहीं करना। गुरु में और आदमी में फर्क नहीं पता, लोग
क्रिटिसाइज करते हैं कि एक एक इंसान का हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। अभी ये सोच क्या है? शिक्षा है। गुरु कौन है? गुरु क्या क्या उसे एक साधारण आदमी की संज्ञा दी जा सकती है? गुरुदेव ने इस पे भी ये नहीं कहा। गुरुदेव की शब्द आप सुनोगे ना, बड़े अच्छे से उन्होंने यूज़ किए हैं। तो एक जगह उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर से योग होता है, मेरा यहाँ ध्यान करो तो ध्यान लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप सारी दुनिया को कहो कि इस आदमी की फोटो से ध्यान लगता। उन्होंने इतना साफ इस ये जो तथ्य है ना, ये उन्होंने कहा कि आदमी की तस्वीर का ध्यान कैसे करें। तो उन लोगों तक पहुंच, क्योंकि उनको गुरु की संज्ञा पता नहीं, बिल्कुल लोएस्ट लेवल के जो मनुष्य होते हैं वो गुरु को, गुरु की डेफिनेशन मालूम नहीं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है गुरु, गुरु का नाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गुरुदेव कहते हैं पत्थर मारो तो गुरु को ही लगेगा, तो वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। उनको कितना भी मना लो गुरु होता है, गुरु तत्व होता है, उनको नहीं समझ में आएगी। उनको यही समझ में आएगी कि तो एक आदमी है। तो उनको कहा दुनिया में कहो कि इस आदमी से ध्यान लगता है। तो ये उन्होंने बिल्कुल मिनिमम चेतना के आदमी के लिए मैसेज तक छोड़ दिया। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कहो कि हमारे गुरुजी की फोटो से ध्यान लगता है, एक गुरुजी हैं उनकी फोटो से ध्यान लगता है। गुरु शब्द गुरुदेव ने यूज ही नहीं किया। और कितना ये, अगर आप सोचो ना, अगर आप इसको गहराई में जाके सोचो कि एक एक सत्य गुरु, एक सच्चा गुरु है और लोगों को गुरु के बारे में बताना चाहता है कि गुरु होता है, सच गुरु होता है जो मोक्ष तक लेके जाता है, उन्होंने वहां पे गुरु शब्द का यूज ही नहीं किया। क्योंकि लोगों को गुरु शब्द की महत्ता ही नहीं मालूम। उन्होंने अपने आप को कहा कि आदमी, इस आदमी की तस्वीर से ध्यान होता है। आप इस बहुत गहराई से अगर आप सोचोगे ना, तो आपको गुरुदेव जो जिस अंधकार की बात गुरुदेव करते थे ना, तो उन शब्दों में आपको पता चल जाएगा कि गुरुदेव ने कितना सिंप्लीफाई किया है अध्यात्म को। गुरु शब्द भी अध्यात्म है। लोग किसी भी तरह से अध्यात्म में जाना ही नहीं चाहते, कनेक्ट ही नहीं होना चाहते, धारणा करनी ही नहीं है उनको कि गुरु है, गुरु होता है, गुरु क्या है। गुरुदेव ने वो भी छोड़ दिया, चलो ये भी मत समझो। आदमी समझना है ना, तो आदमी समझ के ही कर लो कि एक आदमी के ध्यान कर लो, इस आदमी की फोटो से ध्यान लगता है। ये एक ऐसे गुरु के शब्द हैं जो महान है, उच्च है। वो भोलेनाथ बैठा है, वो कृष्ण बैठा है अवतार लेके, वो अपने आप को गुरु भी नहीं कह रहा। कहा है उन्होंने कई जगह कि मेरा एक शिष्य आया, उन्होंने कहा भाई चल तुझे गुरु जी के पास लेके जाता हूँ, उनका नाम तो ध्यान से ठीक हो जाता है। ये उनकी बातें हैं, लेकिन आप देखो कितना सिंप्लीफाई करके उन्होंने कुछ कुछ शब्द कहीं कहीं ऐसे यूज़ किए हैं कि वो चाहते थे जो जो बंदा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता उसे भी मैं मौका दूँ। मैं तो मानव मात्र को इस योग का अधिकारी मानता हूँ, ये बात गुरुदेव ने कही। तो उस पूरे मानव मात्र में कितने लोअर लेवल के लोग हैं। माँ श्री माँ ने कहा था कि जो शक्ति आएगी, उस वो शक्ति को जो मिनिमम चेतना का इंसान इस पूरी दुनिया में होगा वो भी मानेगा, वो भी मानेगा इस चीज़ को। मिनिमम चेतना का आदमी जो होगा, ऐसा परिवर्तन लाएगा वो आदमी, और ऐसा परिवर्तन लाएगी वो जो आएगी सत्ता। गुरुदेव ने उस लोएस्ट आदमी को टारगेट करने के लिए भी पहले ही अपनी स्पीच में वो शब्द ऑलरेडी कह दिए कि मत मानो गुरु। गुरु गुरुदेव के आगे झुकना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो गुरुदेव ने बाद में इतनी लीनियंसी कर ली कि चलो आदमी समझ के मुझे एक बार ध्यान करके देख लो, एक बार सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कि है कि नहीं। बहुत जगह गुरुदेव ने लीनियंसी दी है, बहुत जगह दी है। इतने महान है वो, इतने बड़े हैं। ठीक है, आप किसी दूसरे स्वामी जी की बात सुनो, किसी की भी, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो स्वामी बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, खुद को स्वामी बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, बाबा रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को कह के, गुरुजी रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। कभी साधारण मनुष्य के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये चेतना भौतिकता से जुड़ी हुई है, लेकिन जो परम सत्ता है वो सब जगह जुड़ी हुई है, हर शब्द से जुड़ी हुई है। उसको बस अपना काम करवाना है, उसको महत्ता से फर्क नहीं पड़ता।
तो ये जो धारणा है ये इसीलिए हमारी कमजोर है कि गुरुदेव बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही आसान, बहुत ही मामूली सी लाइफ, बहुत ही साधारण रूप से प्रस्तुत किया अपने आप को। इसीलिए हम ये समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, और ये अटूट अटल सत्य है। इससे बड़ा सत्य नहीं है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो सिद्ध योग करते हैं उनके जीवन में इससे बड़ा सत्य नहीं है कि गुरुदेव से बड़ा कोई भी नहीं। और ये धारणा जब तक पक्की नहीं होगी तब तक ना कोई ध्यान है ना कोई योग है। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ रोगों के ठीक होने से ही अगर आप बैठे हो इसको मानने के लिए तो यात्रा शुरू ही नहीं हुई अभी तक। अगर आप अभी भी प्रमाण मांग रहे हो तो आप सांख्या योग में हो। सांख्या योग प्रमाण मांगता है कि ये बीज है तो इसका फल होगा, तभी ये मानेंगे कि आम का पेड़ है। जब तक इस पे आम नहीं लगेंगे हम नहीं मानते कि ये आम का पेड़ है। बीज को रिकग्निशन नहीं है, जब तक वो फल ना दे दे तब तक उसकी रिकग्निशन नहीं है। ये सांख्या योग। गुरुदेव की वाणियां लेके लोग कहते हैं कि इन्होंने तो ये कहा, ये नहीं हुआ, ये कहा, ये कहा। आप सारी वाणियां सुन लो, सारी वाणी को समझ लो, फिर आपके सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसकी धारणा पक्की हो गई ना उसका सारा दायित्व इन दोनों का ही है। ये कैसे आपको समझाएंगे इनकी कही हुई बात, ये इनका दायित्व है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी ड्यूटी है। गुरुदेव ने कहा ये आगे की ड्यूटी गुरु की है, उन्होंने साफ कहा है कि मेरी ड्यूटी है, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम बस ये काम कर लो, झुक जाओ गुरु के आगे, क्योंकि उसके बिना सत्ता, वो सत्ता नहीं कर सकती काम। भगवान अपने आप को प्रदर्शित ऐसे नहीं करता, रोने से, चिल्लाने से, गाने से नहीं करता वो इस सब। वो करता है तो भाव से करता है, समर्पण से करता है अपने आप को प्रदर्शित। अगर उसको देखना है तो आप उसको देख सकते हो, उसको सिर्फ देखना, सिर्फ फिजिकैलिटी में देखना देखना नहीं है, उसको महसूस कर सकते हो हर समय, और हर चीज़ में नज़र आना शुरू हो जाएगा, हर घटनाक्रम में नज़र आना शुरू हो जाएगा, और इतना इतना साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप हर बात में ही आप कहोगे कि यार ये चीज़ होगी गुरुदेव, ये चीज़ होगी। कोई भी घटना गुरुदेव के बिना नहीं घट सकती, एक साधक के जीवन में कोई भी घटना गुरुदेव के बिना नहीं घट सकती। आपको बस मनोमय कोष से आप निकल जाओ, मानस पे विजय पालो आप। ऋषि अरविंदो ने इतनी बुक्स लिखी हैं, इतनी बुक्स लिखी हैं, वो मानस पे ही उन्होंने ज़्यादा काम किया है। मनोमय कोष, ये तीन कोषों को ही उन्होंने काम किया है, और जो अवतरण हुआ है, सत्ता का अवतरण हुआ है, उसकी बात भी उन्होंने कही, गुरुदेव ने भी कही कि जिसके लिए असेंड कर रहे थे वो डिसेंड कर गया, वो तो अब नीचे आ गया, आप नहीं चढ़ सकते ऊपर। पता चल गया कि कलयुग में तो क्षमता है नहीं लोगों की ऊपर चढ़ने की, तो क्या होगा। और जितना युग में अंधकार होता है ना, भगवान को उतना ही नीचे आना पड़ता है, उतनी साधना आसान बनानी पड़ती है। ये उसका दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सत्युग में वो बैठ जाएगा ऊपर, मस्त होकर टन के बैठ जाएगा। सत्युग है, सारी परिस्थितियां तुम्हारे साथ हैं, तुम उठो करो तपस्या, 1,000 साल, 2,000 साल, 10,000 साल, क्योंकि मैंने तुम्हें उम्र दी है लंबी, मैंने तुम्हें सत्य दिया है, सब कुछ दिया है, तुम्हारे पास सब कुछ है। कलयुग में कुछ भी नहीं है आदमी के पास, कलयुग के पास अपनी धारणा ही नहीं है। हमारे पास अपनी धारणा क्या, हमारी धारणा है हमें नहीं पता। पूरा जीवन निकल जाता है एक इंसान का, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि धारणा क्या है। और वो मंदिरों में ध्यान करता है, मस्जिदों में जाता है, ज्योतिर्लिंग में जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ गंगोत्री नहाता है, ये सब नहाता है। सबसे बड़ी जो अंधकार है वो ये है कि उसे लगता है, वो कहते हैं कि यहाँ नहा लो तो यहाँ मोक्ष मिल जाएगा, तो उनको लगता है नहा के मोक्ष मिल जाएगा। उसका अर्थ है कि यहाँ अगर तुम डुबकी लगा लोगे तो तुमको यहाँ से मोक्ष का रास्ता दिखेगा, चलना अभी वहाँ से भी तुमको मोक्ष तक रास्ता चलना है। लेकिन लोग क्यों डुबकी लगा रहे हैं, कि डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाएगा। आप सोचो डुबकी यहाँ पे चले जाओ तो मोक्ष पक्का,
मोक्ष पक्का का अर्थ है कि ये स्थान ऐसे हैं जो त्रिवेणी संगम हो गया या सागर संगम हो गया, उनमें नहाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे नहाने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, उस अपॉर्चुनिटी से के थ्रू आप चले जाओगे मोक्ष के रास्ते पे, गुरु मिल जाएगा, मार्ग प्रदर्शक मिल जाएगा यहाँ नहाने के बाद। ये है अर्थ उसका, नहाने से मोक्ष नहीं मिलता, नहाने के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी पे रास्ते पे उस पथ को पकड़ के मोक्ष पे जाना है, वो रास्ता तो आपको तय करना ही है। बस इजी रास्ता है कि हम तपस्या करते हैं कि प्रभु कोई गुरु दिला दो जिसका अनुसरण करें और मोक्ष तक पहुँचे। फिर गुरुदेव ने, फिर भगवान ने क्या किया, कई जगह बना दी धरती के ऊपर में और कह दिया कि यहाँ नहाओगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा। साफ उसने कह दिया कि यहाँ नहाने के बाद मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता खोल दूंगा, ये पवित्र जगहें हैं, यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी ऊर्जा को उस ऊर्जा से कनेक्ट कर दूंगा जो तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाए। तो जितनी भी जगहें हैं, पवित्र स्थान हैं, वो सिर्फ आपको कहाँ लेके आएंगे, आप ऐसे पवित्र स्थान में नहाए जहाँ से मोक्ष मिलता है, वो कहाँ लेके आएगा, वो आपको आपके घर में लेके आएगा, इस फोटो के पास लेके आएगा। आप त्रिवेणी में नहाओ जाके, गंगा सागर में नहाओ जाके, हरिद्वार में नहाओ जाके, या कोई भी विशेष दुनिया का स्थान है वहाँ नहा लो, तो वो कहाँ लेके जाएगा वो रास्ता, कहाँ से शुरू करेगा रास्ता। अच्छा भाई इसने नहा लिया, गुरु के चरणों में भेज दो इसको, वहाँ से इसका रास्ता शुरू होगा। तो सब करने के बाद, सारे तीर्थ करने के बाद, सारी यात्राएं करने के बाद, सारे हज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो यात्रा शुरू होगी वो गुरु के चरणों से शुरू होगी, और साक्षात परब्रह्म स्वयं श्री रामलाल जी सियाह के रूप में अवतरण होके, जिसकी व्याख्या उनका योग करता है, जिनकी व्याख्या ऋषि अरविंदो जैसे ऋषि, जिनको श्री अरविंदो कहते हैं, करते हैं। अभय चार्जिंग लगाओ जल्दी आप। स्विच ऑन कर दो, वो मुझे दे दो जल्दी। हो गया, हो गया, दे दो जल्दी, दे दो जल्दी, दे दो। हाँ थैंक यू। तो जिनकी व्याख्या श्री अरविंदो ने की है, डेट्स तक दे दी उन्होंने, अब और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या व्याख्या हो सकती है, डेट्स तक दे दी कंफर्मेशन के लिए। श्री माँ ने सिद्धि का दिन तक बता दिया कि इस दिन सिद्धि होगी, 1 जनवरी 1969 का दिन महत्वपूर्ण कर दिया, ऋषि अरविंदो ने 24 नवंबर 1926 का दिन घोषित कर दिया, डेट तक घोषित कर दी। उसके बाद भी अगर हमें जिन जो हम जान अभी तो हम जानते हैं, हम गिने चुने लोग जानते हैं, जब ये पूरी दुनिया जानेगी ना, तो वो लोग हम पे सवाल उठाएगी, इन लोगों को पता था, इन्होंने यकीन क्यों नहीं किया, और ये तो हो रहा था तब इन्होंने यकीन नहीं किया, इन्होंने प्रचार नहीं किया, इन्होंने किसी को बताया नहीं, इनका इनकी खुद की धारणा ही पक्की नहीं हुई थी, कैसे लोग थे यार हमारे तक पहुंचने में 200 साल लग गए, हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं चला। 200 साल बाद जो लोग आएंगे ना, जो जुड़ेंगे 200 साल बाद, वो हमको यही ताना मारेंगे कि हमारे पूर्वजों को कैसे नहीं पता चला, क्या प्रचार प्रसार नहीं था, इंटरनेट तो 2000 में शुरू हो गया था, तो क्यों नहीं पहुंची ये सारी चीजें। तो आज से जो 100 साल 150 साल बाद जो लोग आएंगे, उन तक वो पहुंचाने के लिए आपकी पहले खुद की धारणा पक्की होनी चाहिए, नहीं तो आप प्रचार ही नहीं कर सकते, आप किसी को कनेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कनेक्ट कर नहीं सकते, कनेक्ट वही कर सकता है, लेकिन उसको अंदर जीवंत करके उसकी धारणा पक्की होनी चाहिए, तब वो कनेक्ट करेगा आपके माध्यम से, वो आपका माध्यम तभी यूज करेगा जब आप उसको सरेंडर करेंगे कि यूज मी। जब आपने सरेंडर ही नहीं किया तो वो इल्लीगल तो, क्या कहते हैं, अनादि इल्लीगल पोजेशन वो कौन करता है पता, इल्लीगल पोजेशन कौन करता है, वो भूत प्रेत करते हैं, इल्लीगल पोजेशन करते हैं, वो आपके माध्यम से कार्य करेंगे, इल्लीगल पोजेशन है पोजेशन, क्योंकि आप सरेंडर करते हो। तो आप अगर गुरुदेव को सरेंडर कर रहे हो, तो वो गुरुदेव सरेंडर करने के बाद आपके माध्यम से कार्य करेंगे, जब आप कहेंगे कि गुरुदेव मुझे अपना यंत्र बनाओ, मैं पूर्ण धारणा के साथ आपके साथ हूँ, मैं पूर्ण जीवन को, जीवन बीमा आपके हाथ से करवाता हूँ, आप मेरा जीवन बीमा करो, मेरा जीवन बीमा आप हो। अब दर्द हुआ तो वही जीवन बीमा चलेगा, तकलीफ हुई तो वही जीवन बीमा चलेगा, वही भरपाई करेगा,
और वो दर्द होगा, तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, होगी ही होगी, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। विदाउट प्रॉब्लम्स यू कैनॉट असेंड, विदाउट प्रॉब्लम्स आप इस मार्ग पे नहीं चल सकते। अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो आप बेहतर है कि ऐसा मार्ग ढूंढो जिसमें तकलीफ ना हो, क्योंकि आप विवेकानंद को पढ़ लो, ऋषि अरविंद को पढ़ लो, श्रीमा को पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि ये रास्ता परीक्षाओं का रास्ता है। परीक्षा का मतलब ही है दुख, परीक्षा को भी आसानी होती है। अगर आपकी हर क्षण हर रोज परीक्षा होती है तो बड़े खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ कि आ हा गुरुदेव की असीम कृपा बरस रही है। और परीक्षाएं हमेशा कड़वी कड़वी होंगी, आपके पसंद नहीं करोगे आप अपने जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रॉब्लम, आप रोते रो 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 के बिलक बिलक के परेशान। ऐसी कोई परीक्षा है जो मज़ेदार हो? नहीं, लेकिन उसको मज़ेदार बनाया जा सकता है। जब मानस से ऊपर उठ जाओगे तब वो मज़ेदार हो जाएगी। जैसी परीक्षा आई, जैसी दुख तकलीफ आया, बस गुरुदेव क्या घटना हो रही है, क्या होना है, आप उस प्रॉब्लम को साक्षात्कार करोगे। चाहे वो शरीर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो झगड़ा हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, कोई भी भाव उठ के सिर पे चढ़ गया हो, आप उसको साक्षात्कार करोगे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हर चीज़ को विजुअलाइजेशन आइडेंटिफाई मतलब दृष्टा भाव में आ जाएगी, हर चीज़ दृष्टा भाव में आ जाएगी, हर चीज़ देखोगे, अपना गुस्सा, अहंकार, प्रेम, बातें, और चाहे किसी से भी बात कर रहे हो, हर समय दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने पे केंद्रित है, डायरेक्शन ही बदल गई, दिव्य दृष्टि बदल, तीसरी आँख आप अंदर देखती है, तीसरी आँख बाहर नहीं खुलती, अंदर खुलती है। अंदर खुलने का मतलब है कि आप सब्जी वाले से बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो, गली के किसी आदमी से बात कर रहे हो, अनजान आदमी से बात कर रहे हो, पैर से पैर टक्कर आ गया किसी रास्ते में चलते चलते, आदमी कहेगा क्या भाई देख के नहीं चल सकता, बेवकूफ कहेगा। और अगर आदमी का पैर औरत से टकरा गया बाहर तो और मुश्किल, वो ऐसे आपको डांटेगी तो मुश्किल। अगर औरत का टक्कर गया और आदमी कहेगा क्या दीदी की क्या सोच के चल रहे हो मार्केट में, तो और ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, ये उस समय आप अपने आप को देखोगे कि एक एक चित्त आपसे बिहेव कर रहा है, आप कैसे रिप्लाई करते हो, ईगो आती है उस समय, ईगो आती है, ईगो को देखोगे और फिर परेशान हो जाओगे, यार क्या करूं, चुप रहूंगा, चुप रहूं कैसे, मौन की तो आदत नहीं है, अपनी वृत्तियों पे तो कंट्रोल करने की आदत नहीं, अपनी दिखेगा लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और फिर घर जाके पछताओगे कि यार कर सकता था, कर सकता था, नेक्स्ट टाइम गुरुदेव इस बार टक्कर लगाना, इस बार देखना, गाली भी देखा तो मैं कहूँगा माफ़ कर दो दीदी गलती होगी गलती होगी भी नहीं तो दीदी गलती होगी। अपने आप को देखना शुरू करोगे ना तो इंजॉय चीज़ को होगा, घटना घटनाक्रम दिखेगा कि गुरुदेव घटनाक्रम करवा के सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यवहार को चेक करना चाहते हैं, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, और मन बड़ा उतावला होगा बात करने के लिए, मन बड़ा उतावला होगा जवाब देने के लिए, क्योंकि जवाब है आपके पास लेकिन दोगे नहीं, क्योंकि आप उसे बदल ही नहीं सकते, उसका विचार बदल ही नहीं सकते, वो आपको गाली देने ही आया है, वो आपसे लड़ाई करने ही आया है, वो आपसे ज्ञान प्राप्त करने नहीं आया। अब आपने सिर्फ देखना है, क्योंकि सारी दुनिया है, आप आपको ज़रूरत नहीं है उसमें बदलाव करने की, ये आपका काम नहीं है दुनिया में बदलाव करना, किसी व्यक्ति विशेष में बदलाव लाना, ये आपका क्षेत्र ही नहीं है, आपका विषय ही नहीं है, आप सिर्फ अपने में बदलाव ला सकते हो। तो दृष्टा भाव अपने में बदलाव दे रहा है, सिर्फ अपने को देखने की क्षमता आप में आ जाएगी। धारणा पक्की होने का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है दृष्टा भाव के साथ। धारणा पक्की होने का अर्थ है कि अब मैं अपने आप को देख रहा हूं, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है। जब मैं गेम खेल रहा हूं, मेरे पास कोई कार्टून करेक्टर है, मैं खेल रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं उससे खेल रहा हूं, वो गिरेगा पड़ेगा, हाँ 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 चलो उठ गया, इस शरीर ये शरीर भी एक करेक्टर बन के रह जाएगा, ये शरीर, ये नाम, ये ओहदा, ये नौकरी, ये रिलेशनशिप्स, आप एज ए डायरेक्टर देखोगे अपने आप को कि आप करेक्टर हो और आत्मा डायरेक्टर है,
हर चीज़ दिखाई दे रही है अंदर से, सूक्ष्म रूप से कैसे बिहेव किया कैसे नहीं किया, सब कुछ कन्फ्रंटेशन दिखने लग जाएगी। सारी चीज़ें आज तक नहीं दिखती थी, गुस्सा आया था या किसी से द्वेष रखा, भेद रखा, सिर्फ यही सोच रहे मैं सही था, मेरी बात सही थी, हमेशा यही किया हमने, मेरी बात सही थी, मुझे पता है मैं सही था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम दूसरे की बात भी देख सके। तब देख पाएंगे जब हम अपने आप को सही मान के नहीं, बल्कि अपने आप को कटघरे में रखें, अपना स्वाध्याय करें। और आत्मा ही स्वाध्याय कर सकती है चित्त का, आत्मा ही स्वदृष्टा भाव पैदा कर सकती है स्वाध्याय का, चित्त नहीं कर सकता। और जब तक आत्मा जागृत नहीं, तब तक दृष्टा भाव होता ही नहीं। तो लोग जितने भी हैं जिनकी आत्मा नहीं जागृत, जो द्विज नहीं बने, वो कभी भी अपने आप को देख नहीं सकते, वो कभी भी दृष्टा में नहीं आ सकते, क्योंकि चित्त दृष्टा है ही नहीं। दृष्टा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। जब वो सो रही है तो देखेगी कैसे, स्वाध्याय कैसे करेगी, मार्ग पे कैसे चलेगी। तो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो अध्यात्म में अंतर्मुखी नहीं है, दे आर ऑल डेड। सिर्फ शरीर जाग क्या है, चित्त का कोई महत्व नहीं। चित्त एक शरीर बदलेगा, कपड़ा दूसरा डाल लेगा, वो चित्त वैसा ही रहेगा जब तक आत्मा जागृत होके अधिकार क्षेत्र नहीं अपनाती, मुक्त नहीं होती। वो जब जागृत हो जाएगी फिर वो देखना शुरू करेगी, क्या घटना घट रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या तूने क्या किया, फिर रियलाइजेशन कराएगी। अपना साक्षात्कार करना यानी कि चित्त को देखना कि मैं कहाँ फंसी हूँ, ये बेड़ी ये अहंकार की बेड़ी। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आत्मा की बेइज्जती, आत्मा बेइज्जती से ऊपर है, इंसल्ट से बहुत ऊपर है। वो तो चाहती है कि कहाँ एक्सेप्टेशन मुझे करना है, बताओ सही, मैं जा रहा हूँ, मैं वहीं जाके सारी दुनिया के सामने कहूँगा कि ये बात है, बस मुझे इस चीज़ से हटाओ, पहले ये बेड़ी हटाओ, ईर्ष्या की बेड़ी हटाओ, द्वेष की हटाओ, राग की हटाओ, इच्छा की हटाओ, इसकी हटाओ, वो सारी बेड़ियों से मुक्त होना चाहती है। तो वो मौका ढूंढती है, मौका क्रिएट करती है, चल मौका क्रिएट करेंगे तब जाके कुछ होगा, बैठे बैठे सो के नहीं हो जाएगा काम। समाधि में जाने के लिए समाधि लायक होना पड़ता है, फिर बैठ जाओ समाधि में, उसके बाद सारी दुनिया को देखो, अपनी आत्मा को देखो, रहस्य को जानो। लेकिन उससे पहले आत्मा को जानना जरूरी है। जब तक आत्मा को नहीं जानते, चित्त को नहीं जानते, आत्मा अलग नहीं देखते, तब तक ध्यान नहीं लग सकता। धारणा पक्की आत्मा ही करती है, आत्मा ही धारणा है कि मैं आत्मरूप हूँ। ये धारणा पक्की नहीं होती तब तक ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि चित्त जो है ये ध्यान के खिलाफ है, क्योंकि इसका तो अंत हो रहा है ध्यान से। तो जिसका अंत हो रहा है वो आपको सपोर्ट क्यों करेगा, वो तो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, और आत्मा उस प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी बनाती है दृष्टा भाव के रूप में। तो हर वार जो होता है उसी वार को अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है आत्मा के लिए, अपॉर्चुनिटी है हर प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम से भाग गया वो फिर चित्त का साथ दे दिया आपने, और वापस आप डूब गए उसमें। इधर एक आत्मा खड़ी है और इधर चित्त खड़ा है, अब आत्मा को बेड़ियां डाल के खड़ा है ऐसे करके। तो आप मानस वन के बीच में, मन आपका मन है बीच में, इस मन का परिवर्तन ही डिसाइड करेगा कि आप चित्त की तरफ जाओगे या आत्म की तरफ होके मोक्ष को जाओगे। तो वो जो होगी फिर आप जिसका साथ दोगे, अगर धारणा के साथ दे दिया तो आत्मा की तरफ जाओगे, एक बेड़ी खुल जाएगी। अगर धारणा कमज़ोर हुई और डाउट आ गया तो चित्त जीत जाएगा। तो ये युद्ध चल रहा है परस्पर, उन तीनों गुणों का और आत्मा का युद्ध है। सतव गुण भी एक समय प्रकट होगा आपको रोकने के लिए। आप कहोगे मैं तो भैया गुरुदेव का ही काम करता हूँ, प्रचार प्रसार, नाम जाप, ध्यान, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ये भाव है आपका कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वे सतव गुण के अधिकार क्षेत्र का काम है, लेकिन वो भी आत्मा की बेड़ी है। आत्मा गुण रहित है, गुण अतीत है। तो हर बार आपको निष्काम कर्म करना है,
जिसका उपदेश श्री कृष्ण ने दिया कि निष्काम कर्म करो। निष्काम का अर्थ है सतप पे भी ध्यान नहीं देना आपको, यानी कि सत्य गुण में भी आपको रुकना नहीं। पता नहीं किसकी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। अच्छा जनरली बेबे की बहुत ऊर्जा हाई है, उसकी ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। अच्छा अब प्रश्न दूसरा, एक प्रश्न पे बहुत समय लग गया पर काफ़ी अच्छी जानकारी मुझे लगता है हमें मिली है एक प्रश्न से। उसके बाद के कुछ प्रश्न जो हैं ओम जाट, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु भाई गुरु, जय श्री दादा गुरु गुरु भाई, महीने 3 महीना आपको ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, मैं मंत्र और जाप कर रहा हूँ कंटिन्यू, अभी मेरे को कुछ भी ऐसा मालूम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़िए। जहाँ हम सबको महसूस हो रहा है आपको भी महसूस होगा, अभी हमने जो बात की है वो धारणा की ही बात की है, ठीक है। प्रत्यक्ष कोई चीज़ ना भी आए तब भी आपको यकीन होना चाहिए कि ये गुरुदेव परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगे रहिए, मैं तो यही कहूँगा। बबली भारद्वाज जी कह रही हैं कि मैं तो जब से गुरुदेव से जुड़ी हुई कई सालों से, तब से मैंने तुम्हें दिल के अलावा किसी देवता की पूजा नहीं की। जब बहुत दर्द हुआ तभी मैंने दुर्गा माता से प्रार्थना की और जप किया, इतने सालों बाद इसलिए मैंने, जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ तब से मेरे सपनों में कोई भी देवता नहीं आए। इसका क्या मतलब है, ना गुरुदेव आए? फिर यदि एक साथ बहुत सारे गुरुदेव के साधक गुरुदेव के दिव्य मंत्र की जाप साधना ध्यान करें तो क्या उसका प्रभाव सभी शिष्यों पर अकेले ध्यान करने से अधिक पड़ता है? देखिए बबली जी, बात क्या है कि आपने कहा कि बहुत देर से गुरुदेव से जुड़े हो आप, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मैं इतनी देर तो मैंने यही बात की है कि सिर को झुकाना, मतलब सिर कट भी जाएगा तो भी पथ चेंज नहीं करूँगा मैं। तो अभी भी दुर्गा माँ का जो है आपके मन में स्थान है, उनके लिए आपकी भक्ति है अंदर में, ठीक है। आपको मालूम नहीं था, वो सामने प्रकट लाने के कारण ही वो दर्द शांत नहीं हुआ। आपको आपका ये साक्षात्कार है कि अभी भी इतने सालों तक भी गुरुदेव को पूर्ण समर्पण या पूर्ण श्रद्धा या पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं हुआ। समर्पण का भाव ही है कि प्राण का समर्पण कर दिया गुरुदेव को, क्योंकि नीचे के 3 जगतों का ही समर्पण हो सकता है, अन्नमय कोश शरीर का, प्राणमय कोश सांसों का, मनोमय कोश मन का, इन तीनों का ही समर्पण हो सकता है। इन तीनों में कहीं भी कोई और धारणा है तो फिर काम शुरू नहीं हो सकता। और वही चीज़ तो है, चाहे कितने भी साल लग जाए, अगर दुर्गा माँ आ गई प्रॉब्लम की वजह से आपके मन में, तो वो मनोमय कोश में थी, स्थूल रूप से आपने उनकी पूजा छोड़ दी, ठीक है, लेकिन मनोमय रूप में नहीं छोड़ पाए, और उसको ही कुंडलिनी ने, उस नाम जाप ने बाहर निकाल के रख दिया आपके सामने कि ये है अभी भी तेरे मन में, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी तू बाद में इनको बुलाएगी ही बुलाएगी। ये आपका साक्षात्कार है और ये बहुत विशेष है, आपकी साधना में बहुत बड़ा एक समाधान है आपके लिए, आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है। लेकिन इसका तो आपको स्वाध्याय करना था। जो सत्संग में आपके साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये गुरुदेव का सत्संग है। अगर कुछ बात आपके बारे में की जा रही है, आपको समय दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको साक्षात्कार करवा के अब इस सेशन के माध्यम, सत्संग के माध्यम से भी आपके प्रश्न पे ही इतनी बातें की गई हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल मनोमय कोश से बिल्कुल नीचे जो दबी हुई चीज़ है वो भी माँ ने सामने, गुरुदेव ने सामने ला के रख दी कि है माँ। अभी जब तक भौतिक रूप से
सूक्ष्म भौतिक रूप से आप नहीं समर्पण करोगे। ऋषि अरविंदो ने इसे सूक्ष्म भौतिक कहा, ये भौतिक प्राणमय कोश और मनोमय कोश सूक्ष्म भौतिक, ये तीनों भौतिक है, ठीक है। शरीर को महसूस कर सकते हैं, मन सूक्ष्म है, इसीलिए उसे सूक्ष्म भौतिक मानस कह दिया। सबसे बड़ा अड़ंगा है सूक्ष्म भौतिक का, उसी की प्रॉब्लम आपके सामने निकल के आ गई, आपका समर्पण निकल के आ गया सामने। इसमें कोई खराब बात नहीं, ये तो आपका साक्षात्कार गुरुदेव ने कराया, आपको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। कुमारी किरण जी कह रहे हैं, मेरी बॉडी में ध्यान के वक्त कभी कभी झनझनाहट और लहरें सी उठती है, ये क्या है भाई जी? ये ऊर्जा का उठना होता है, ऐसा ऊर्जा जब उठती है तो वो ऊपर लहरों की तरह उठती है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है नाद सुनते समय। तंद्रा में और गहरे ध्यान में जाने से पहले इस ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे स्पीड ब्रेकर से गाड़ी जाती है, समंदर की लहरें आती है, वैसे ऊर्जा उठने का अनुभव होता है, ये गहरे ध्यान में जाने की एक अनुभूति है। अच्छा, उसके बाद बाबा तो बहुत प्रश्न कर दिए। अच्छा, गुरुदेव के मंत्र का जाप करते समय यदि बीच में हमारा मंत्र जब टूट जाता है, जब हमारा कहीं ध्यान जान हमारा कहीं और चला जाता ध्यान हमारा कहीं और चला जाता है, फिर से वापस मंत्र जाप करने में लगते हैं, तो क्या मंत्र जाप सही नहीं माना जाएगा? इसके लिए लगातार गुरुदेव के जिन साधकों का ध्यान नहीं लगता, क्या गुरुदेव उनसे हमेशा नाराज़ रहते हैं और इसी तरह से उनकी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, दुर्गा माता की उपासना कभी मैंने कई सालों से छोड़ दी है जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ। देखिए, मैं अगर गलत हूँ तो मैं सरेंडर करता हूँ अपना कि मैं गलत हूँ, मैंने आपको गलत कह दिया इस बात के लिए कि आप दुर्गा की उपासना नहीं करती, आपने कभी दुर्गा की उपासना नहीं की। आप क्या सुनना चाहती हैं? आपने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आपका पहला प्रश्न था ऐसा क्यों हुआ, और मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपको धारणा की बात पे जो है बात कही कि ऐसा धारणा के कारण हुआ, कमज़ोर धारणा के कारण हुआ, और मैंने ये बात आपको अपने खुद के अनुभव से कहा है। मेरी 5 साल तक धारणा कमज़ोर रही, मैंने गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं जपा, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र रहा मेरे साथ अंदर, एक बार जपता था कभी, फिर छोड़ भी दिया, लेकिन आज भी कई बार जो है महामृत्युंजय मंत्र मेरे सामने खड़ा होता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया, अब मैं क्या कहूँ आपसे, कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं आपने मुझे। सूरज कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है कि 90% लोग मुझसे रोग की वजह से जुड़ते हैं, 10% ही जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये YouTube पे कुछ खास प्रश्न थे जिनमें मुझे लगता है कि मैंने गलत सलाह दे दी। पब्ली जी ने कहा है कि आप गलत कह रहे हैं, तो धारणा पक्की है उनकी, मेरी समझ से गलती हुई है शायद कहीं। अच्छा चलिए, अभी कोई बात करना चाहता है, कुछ और कुछ कहना चाहता हो गूगल मीट पे या फिर YouTube पे, कोई कुछ कहना चाहता है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। भैया जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे आप शुरुआत में जाप ध्यान करते थे तो कई बार आपको समय नहीं मिलता था, तो बाथरूम में जाके करते थे, तो क्या आप फोन में गुरुदेव की तस्वीर निकाल के जयकारा लगा के करते थे या अपने मन से ही? हाँ नहीं, मैं गुरुदेव की तस्वीर निकाल के नहीं करता था। हमारे ऑफिस में एक रूम था जो खाली रहता था, तो खाने से पहले 1:30 बजे, तब तो मैं रेगुलर नियमित ध्यान नहीं करता था और सुबह ध्यान नहीं करता था, दोपहर को करता था। तो दोपहर को वो रूम, लंच से पहले 1:30 बजे लंच होता था हमारा, 1:30 बजे, तो उससे पहले मैं 1 बजे उस रूम में चला जाता था और मोबाइल पे गुरुदेव की फ़ोटो रख के सामने उस पर ध्यान करता था। तो कई बार वो फ़ोटो चली जाएगी नहीं गई पता नहीं, मुझे लगता था, लेकिन अगर मुझे तब भी समय ना मिले, कोई मीटिंग है या कुछ भी ऐसा
जगह है जहाँ पर मैं उस रूम में कोई मीटिंग चल रही है, कई बार वहाँ मीटिंग होती थी तो और दूसरी जगह होती नहीं थी, तो फिर मैं बाथरूम में चला जाता था, फिर मैं मोबाइल नहीं निकालता था, फिर मैं वैसे ही, क्योंकि उस समय रोज़ ध्यान करने की वजह से मुझे उस समय ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे होता था, तो मैं बाथरूम में चला जाता था, फिर जोर जोर से जितनी ऊर्जा है वो शरीर को हिलाने में पूरी हिल हिल के 10-1 मिनट वो शांत हो जाती थी ऊर्जा उस समय। तो मतलब बाथरूम में जाके जब मैं ध्यान करता था, क्योंकि वो मेरा नियमित समय था ध्यान करने का, तो उस समय ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती थी। कई बार तो किसी परिस्थितिवश हो जाती थी, किसी के साथ बातें कर रहा हूँ और कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई जो मेरा बॉस है वो बात करता था, बात कर रहा है मुझसे और मुझे कुछ समझा रहा है और मैं बात उसकी ध्यान से सुनने लग गया कि हाँ अच्छा, उसकी बात ध्यान से सुनने से ही मेरा ध्यान लग गया, तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। मैंने कहा यार इसकी बात सुनने से मेरा ध्यान लग जा रहा है, ये तो साधना नहीं करता और ये भगवान में विश्वास करने वाला इंसान भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे मन में आया कि मुझे इसकी बात से ध्यान क्यों लग रहा है, ये प्रश्न खड़ा हुआ मेरा। तब मुझे फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि किसी की व्यक्ति विशेष की बात सुनने से अगर ध्यान लग जाता है, हम कहते हैं ना कि आप बात आपकी बात सुन रहे ध्यान लगे, तो हम कहीं भी ध्यान केंद्रित करें, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम बहुत ध्यान से टीवी देखेंगे ना, बहुत मगन हो के, तब भी हमें कभी कभी ध्यान लग सकता है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर हमें ध्यान लगाने से, कहीं भी ध्यान लगाने से हमें थोड़ी देर के लिए ध्यान लग सकता है, फिर हमें 5-7 मिनट ध्यान कर लेना चाहिए, उसके बाद वो कार्य करना चाहिए। ये मेरा अनुभव रहा है ध्यान के मामले में। ध्यान का अर्थ है कहीं भी ध्यान लगेगा आपका, किसी भी चीज़ पर ध्यान लग सकता है, इसीलिए जो योगी होते हैं उनको ध्यान के लिए कुछ भी दे दो, कहीं भी बिठा दो, किसी भी साउंड पे बिठा दो, अनहदनाद जैसे ध्यान का एक स्रोत है, वैसे ही जब कहीं भी ध्यान लगाने से ध्यान लगने लग जाए तो ध्यान पक्का होना शुरू हो गया, यानी कि तो किसी की बात ध्यान से सुनोगे, कोई साउंड ध्यान से सुनोगे, कुछ भी ध्यान से करोगे तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान का एक गुण है, तो फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ जी, जी थैंक यू। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। एक भाई है मेरे, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं मैं कहाँ बैठ के थे, मैंने उनको बोला भाई ऐसे ऐसे करो आप, तो मैंने कहा अभी आप केवल जाप रखो, जप करते रहो, अगर आपकी ये परेशानी है तो घर गृहस्थ में होता ही है, तो मैंने कहा सबसे सेफ, मुझे आपकी बात याद आ गई, उनका सबसे सेफ वही जगह है अगर आप चाहते हो तो एक और वक्त अच्छे अच्छे बैठे। ऑफिस में क्या है ना, बाथरूम बढ़िया बाथरूम होते हैं वहां पर, खराब नहीं होते, तो जी जो मतलब अच्छे अच्छे ऑफिसेज होते हैं वहां पर। जो जो वहाँ पे वो जो रहते हैं, तो वहाँ पे घर में ही दो हैं, ऊपर नीचे, मैं ऊपर नीचे वाला तो यूज़ करते हैं, ऊपर वाला नहीं करते, तो मैंने कहा आप ऊपर जाके और कर लिया करो अपना, उनका बाकी तो फिर उन्होंने यही, मैंने कहा बाकी मैं पूछ के फिर आपको बता दूंगी। हाँ, और एक बात और मैं ठीक खास ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जब ध्यान जब है। आड़ा टेढ़ा ध्यान करते हैं ना, कभी इधर कभी इस समय कभी उस समय, आप एक बात की गारंटी रखो कि आप करते रहो साधना, जैसे ही वो जागृत हो जाएगा, अंदर द्विज बन जाएगा, वो सारी सेटिंग कर देगा। आज की डेट में देखो, मैंने 5 साल तक साधना ऐसी की, सुबह की, दोपहर को की, कब की, रात की, क्रिया हो रही, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि बहुत सारे आडंबर और भी थे मेरे साथ। जैसे ही समर्पण किया मृत्यु भय से, तो उसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च 6 महीने, मोटा मोटी 6 महीने में वो मुझे नियमित ध्यान में लेके आ गया। जो काम 5 साल में नहीं हुआ, द्विज बनने के बाद, आत्मा जागृत होने के बाद वो परिवर्तन आना शुरू हुआ, ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद भी ध्यान नियमित ध्यान करूंगा ऐसा डिसाइड नहीं किया था, ठीक है, लेकिन आज आज देखो, आज अगर देखा जाए तो ये नियमित ध्यान के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये बदलाव कैसे आ गया, अपने आप कैसे आ गया, ये तो कोई डिसाइड की हुई चीज नहीं, अगर डिसाइड करते तो शुरू से ही करते ना ध्यान। तो एक बार साधना में द्विज बन गए, एक बार कनेक्शन हो गया, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदेव की है, उसने धीरे 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 सब कुछ सेटल करना है, वो साधना करवाएगा, आपने करनी ही नहीं साधना,
सिर्फ एक बार आपकी धारणा पक्की हो गई ना, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, फिर सारा काम धारणा ही करती है। वही ध्यान लगवाएगी, वही नियम करेगी, वही मोक्ष तक सारा, वो स्वयं हाथ पकड़, वो आया है नीचे, अब सत्ता अवतरित हुई है, उसने हाथ पकड़ लिया तो अब उसने लेके जाना ही जाना है, कन्फर्म है, कन्फर्म है वो। लेकिन ऐसे नहीं लेके जा सकता, प्योरीफाई करके लेके जाएगा, बिल्कुल धो के साफ करके अच्छा बच्चा बना के तो वो ही नहीं कर पा रहे हैं ना अभी। अब की बार तीसरा चांस है, मैंने उनको तीसरी बार बताया है। हाँ। वो करते हैं, दो बार करा उन्होंने, फिर बीच में छूट गया, घर की परिस्थितियों की वजह से छूट जाता है। हाँ। फिर कहते हैं मेरा मन नहीं करता, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मन नहीं करता फिर मेरा करने के लिए। मन का उसी समय तो आपको अपना मन को पक्का करना है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसा ही होता है। किसी को अगर मिल भी जाए गुरु तो उसका उस समय समय नहीं होता, समय लग जाता है कई बार वो चीज़ों को आने में। कोई बात नहीं, एक बार गुरुदेव मिल गए तो वो अपॉर्चुनिटी आगे मिलती रहेगी, कईयों को मिलती है, बार बार मिलती है अपॉर्चुनिटी। बस जिस दिन आज तक मैं उनसे बात कर रही थी तो मेरे को रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा भैया आप तो ध्यान भी नहीं करते हो, मेरे को क्यों ऊर्जा उठ रही है। लेकिन हाँ वो वैसे सही हैं, सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ पे विश्वास भी नहीं करते, ना किसी का झूठ में सहारा देते हैं। प्रॉब्लम है कुछ उनके साथ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर गुरुदेव ने चुना है तो वो प्रॉब्लम तो होगी, नहीं तो फिर आएंगे नहीं ऐसे। हम कई कई होते ना, आते नहीं बिना प्रॉब्लम के, कई हो, कई है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मुझे भी अगर मृत्यु भय नहीं होता तो मैं थोड़ी इस रास्ते पर चलता, मैं तो जीवन में बड़ा आनंद ले रहा था। चलिए भाई जी, एक बार ग्रुप चेक कीजिए, कोई बेकार बेकार मैसेजेस कोई सेंड कर रहा है, और चारों ग्रुप में भी मैसेज डाले जा रहे हैं। कहाँ, कौन से? जितने किताब वाले ग्रुप में है, कोई फोटो, कोई आदमी फोटो खींच रहा है और गंदी गंदी फोटोज डाल रखी है। अच्छा, अभी डाली है? अभी लगातार चल रही है, बस फोटोज डाली जा रही है। अच्छा चलिए, मैं देखता हूँ सेशन के बाद, सेशन के बाद करने दीजिए, जो कर्म उनके लिए दिखा रहे ना वो चीज करते हैं, उसको डिलीट कर देंगे। जय श्री। अच्छा, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन, कोई कुछ प्रश्न हो या अपनी कोई ऐसी अनुभूति जिससे बदलाव आया हो या बदलाव आ रहा हो, कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रश्न तो YouTube पे मेरे ख्याल से अब और कोई नहीं है। कोई नहीं है, आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो लोग भी हैं जुड़े। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कौन? सत्य नारायण सुमन जी, जय श्री गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। मतलब क्या गुरुदेव की तस्वीर के पास में गुरु गोरख नाथ जी की तस्वीर रख सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, यस गुरु ही हैं वो, तो वो भी हमारे गुरुदेव ही हैं। मतलब बहुत दिनों से क्या पे, मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं मतलब उनकी भक्ति करता था, उनको गुरु मान मान कर करता था, मैं भक्ति उनकी तस्वीर थी पूरी। तो फिर गुरु भाइयों ने करने मतलब सभी ने कहा कि सब सबको हटा दो यहाँ से, जो मैंने सब जल में विसर्जन कर दी थी मैंने तस्वीरें, फिर मैं जय ये अभी ऊर्जा उठी थी ना, जिससे पहले गुरुदेव ने अपने आप ही ना अंदर से प्रेरणा दी कि इनको जो ना मतलब अंदर से मानना पड़ेगा अंदर से। जी पहले तो तस्वीर नहीं रखी थी, एक दिन मतलब मेरी पत्नी बीमार चल रही है वो भयंकर, तो मैं उसके लिए गुरुदेव से करूँ प्रार्थना करी मैंने गुरुदेव से की गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो। जब गुरुदेव ध्यान किया उस दिन, जो गुरुदेव ने कहा कि मतलब गुरु गोरखनाथ जी तस्वीर भी रख के उनकी भी सेवा पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसी आपको प्रेरणा हुई है अंदर से? अंदर ध्यान के टाइम गुरुदेव से मार्गदर्शन की प्रार्थना करी नहीं, जो मतलब मैं बचपन से गुरुदेव से जुड़ने से पहले उनकी भक्ति करता गुरु रूप में मान। हाँ देखिए, उन्होंने ही तो आपको उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, गुरुदेव के माध्यम से ही हम गोरखनाथ जी के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। और कोई फर्क नहीं है, गुरुदेव और गोरखनाथ में कोई फर्क नहीं है, अलग दो है ही नहीं, गुरुदेव ने तो साफ कहा दो है ही नहीं, एक ही है। तो गुरुदेव की आराधना और गोरखनाथ जी की आराधना में मुझे तो कोई अंतर नहीं फर्क पड़ता। एक ही अंतर तो नहीं, लेकिन जैसी आपको अंदर से प्रेरणा हो रही है आप वैसा करिए, ठीक है।
वो गुरुदेव आपको अंदर से ही मार्गदर्शन जरूर करेंगे, और लेकिन दो नहीं है, एक ही है। अब मुझे कभी कभी ध्यान है, मतलब चंद्र जी ध्यान करता करता वो गुरु गोरखनाथ जी की जयकार निकलने लग देते हैं, चंद्र नाथ जी जयकार अपने आप को लगने लगता है ध्यान के अंदर। ये तो होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गोरखनाथ जी का जयकारा निकलता है, माँ का जयकारा निकलता है, आई माँ का जयकारा निकलता है, सब नाथों का जयकारा निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। वो सारे एक ही हैं, वो कनेक्शन है आपका उनके साथ। लेकिन आप अगर सोचो कि अलग अलग आराधना करोगे तो क्या गंगाई नहीं, अलग अलग तो नहीं, लेकिन आप वैसे रख सकते हो, गुरुदेव के जो मार्ग उन्हीं का वंश है, गुरु गोरखनाथ जी का ही वंश है हम लोग, आई पंथ, ठीक है, आप रख सकते हो, लेकिन दो नहीं है, बस एक ही है। मैं यही बात कहना चाहूँगा। और जैसी प्रेरणा आपको हुई है आप वैसा ही करो, क्योंकि गुरुदेव ने आपके ध्यान में आपको प्रेरणा दी है, तो आपको वैसा करके देख लेना चाहिए। मतलब उनकी अभी तस्वीर तो नहीं थी मेरे पास, उनका गुटका था, उसमें फोटो था गुरु गोरखनाथ जी का। हाँ, तो जो रखा जब से थोड़ा मेरी कि क्या, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे सारे नाथों की फोटो हो, मैं सबको जानूं पहचानूं, उनके बारे में पढ़ूं, ज्ञान प्राप्त करूं। मैं क्या मतलब शुरू से नाथ पंथ का ही अनुयायी हूं, मतलब पूरा नाथों की तस्वीरें थी मेरे पास पहले। हाँ, तो क्या पूरे नाथों की नहीं है, नाथों का तो वो तो हमारा परिवार है, वो तो हम जानते हैं। मेरे क्या पहले नवनाथ चरित्र था मेरे पास, उन पूरे नवनाथों की वो दे रखी थी पूरे, उसको मेरी बहुत रुचि थी पढ़ने में पहले। हम ध्यान से पहले आदेश लेते हैं, लेते हैं ना, गुरुदेव ने कभी आदेश लिया है ऐसे? हम क्यों लेते हैं? हम जो आदेश लेते हैं यार, वो आदेश गुरु का, ये कहाँ से प्रकट होता है हर ध्यान में? ये तो हमारी साधना का कोई मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंग जो बना हुआ है, ये तो कोई इसकी तो मतलब कोई ये नहीं है कि नेसेसरी है सभी ने आदेश लेके ही बैठना, ऐसी तो कोई नेसेसिटी नहीं है ना। तो फिर भी जब गुरु ध्यान करते हैं तो रोज सुबह शाम आदेश जो हम लेते हैं, वो कौन कौन है जो इस आदेश के लिए प्रेरित करता है हमें? गुरुदेव ने कभी कहा आदेश? गुरुदेव ने कहा हाँ मेरे से प्रार्थना करके बैठो, ठीक है? और जो नाथ होते हैं वो प्रार्थना को आदेश के रूप में करते हैं, आदेश है? तो गुरुदेव ने जो शब्द यूज किए वो चलती भाषा में यूज किए हमारे लिए, और नाथ परंपरा में उसे ही आदेश लेना कहते हैं, वो आदेश गुरु का, ताकि हम कार्य कर सके, गुरु की आज्ञा हो, आदेश गुरु का मतलब गुरु की आज्ञा हो। तो ये जो ले रहे हैं ये तो वो गोरखनाथ जी की ही प्रेरणा है ना, वही लेते थे ना आदेश। वो जिस दिन गुरुदेव का जन्मदिन वो निर्जलाग्यास थी ना, उस दिन तो मेरे जबरदस्त ध्यान लगा था, मतलब गुरु गोरखनाथ जी को भी आदेश, मच्छंद जी को आदेश, जाने क्या क्या निकले था अंदर से अपने आप। अच्छा, तो यही ये देखो ये सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं, ठीक है? ये जितनी भी घटनाएं घट रही है ना, ये हमारा पूरा परिवार हमें मिलके ऊपर उठा रहा है, सारे नाथों की शक्ति जो है वो गुरुदेव के माध्यम से हमारे अंदर काम कर रही है। गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, आदिनाथ, ये सारे हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं सारे, बस हमें इन तक पहुंचने वाली जो पहली कड़ी है वो हमारे गुरुदेव है, ठीक है? तो इनमें कोई अंतर नहीं है। आप सबकी फोटो रखिए, उनके बारे में पढ़िए जानकारी के हिसाब से। नहीं पढ़, मैं इनके बारे में पढ़ी थी पहले शुरू में, तो पढ़ो, पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने अपने परिवार के बारे में, अपने पंथ के बारे में जितना ज्ञान जहां से मिले ले लो। आराधना तो आपने गुरुदेव की करनी है ना, ध्यान तो गुरुदेव का ही करना है ना, गोरखनाथ जी का ध्यान नहीं करना ना। नाम जब भी वही करता हूं ना। बस फिर जब ध्यान आप गुरुदेव का कर रहे हो तो फिर क्या क्या कंफ्यूजन है? फिर तो कंफ्यूजन होनी चाहिए। ध्यान हमें गुरुदेव, दादा गुरुदेव का, दोनों का कर सकते हैं, बाकी सब का ज्ञान धारण करना है। पहले गुरु भाई ने बताया, पहले बहुत गुरु भाई ने कहा ना जी, सब तस्वीरें हटा दी, जल में विसर्जन कर दी थी मैंने। देखिए, जल में विसर्जन करने का अर्थ होता है कि कई बार हम भाव रूप से समर्पण नहीं कर पाते। सारी की सारी तस्वीरें घर में बनी भी रहें और आपका समर्पण गुरुदेव को हो जाए तो वो वैसी विसर्जित होगी सारी चीज़ें, लेकिन हमें करनी पड़ती हैं इस भौतिक शरीर को मनाने के लिए, इस धारणा को पक्की करने के लिए कि मैं नहीं जाता गुरुदेव उस तरफ, करनी पड़ती है, तब वो सारी चीज़ें आती हैं। वरना विसर्जन कहाँ करोगे? जल में डालने के बाद भी क्या गारंटी है कि आपने मन से विसर्जन कर दिया? और जब तक वो मन से विसर्जित ना हो तो वो कभी भी प्रस्तुत हो जाएगी चीज, ठीक है? तो आप चलिए, गुरुदेव ने जैसा आपके मन में भाव प्रकट किया है ध्यान के दौरान, आप उस भाव के साथ ही रहिए, ठीक है? ध्यान गुरुदेव का कर रहे, बस बाकी कोई चिंता नहीं।
चलिए चलिए, आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे, जय श्री गुरुदेव, यहीं पे रखते हैं। कल सुबह के ध्यान में, अच्छा, कुमारी किरण जी का एक प्रश्न है। वो कहती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है। एक मिनट, मैं माइक, सत्यनारायण जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं कर देता हूँ, एक मिनट, एक प्रश्न है, थोड़ी देर बाद आपका। कुमारी किरण जी कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है। अपना ही मेजरमेंट करते रहते हैं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं हैं, किसी से गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हर पल अपना आंकलन चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही बात स्वाध्याय है। बबली भारद्वाज जी भी कह रही हैं कि अच्छी जानकारी दी है, लेकिन आपने मेरे इस वजह से आप मुझे दो प्रश्न छोड़ दिए जो मैंने आपसे अलग से पूछे थे। हो सके तो ध्यान से पढ़िए, मेरे दो प्रश्न बाकी, मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, इसीलिए मैंने नई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसीलिए छोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं इस चीज़ को। कौन? हाँ, नरेश भाई। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। मैं ये कह रहा था कि आज दिन में ना, मैं ऐसे गुरुदेव की तस्वीर को देखते देखते, मतलब मंत्र जाप कर रहा था, मैं सो, नींद आ गई थी मुझे, तो वो फोटो सीने पे रखी हुई थी और नींद आ गई, मैं काफी समय तक सोया था। पर अचानक से ना इतनी जबरदस्त झटका लगा ना शरीर में, तो इतनी जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई उस वक्त, तो मतलब उस वक्त लगा कि नहीं, ये जो शक्ति, मतलब जो गुरु की तस्वीर है ना, इससे भी मतलब होना चाहिए, जैसा आपने कहा ना, गुरु से बात करनी चाहिए। मतलब इस तस्वीर से जितना ज्यादा अटैचमेंट रखोगे ना, सारी चीजें साइड में हो जाएगी। हाँ। तो मंत्र जाप के साथ ना, इस तस्वीर के साथ ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट बनाओ, वो सबसे ज्यादा कारगर होगी सारी बातों को एक जगह केंद्रित करने में। ये मतलब बहुत एक अच्छा चीज था जो आपने बताया था कि गुरु की तस्वीर से अटैचमेंट रखो। हाँ। तो वो रहता है थोड़ा सा, मुझे आज ये महसूस हुआ ये चीज कि रियल में गुरु की तस्वीर से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती है ना, उतनी धारणा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है गुरु के प्रति। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात होना चाहिए। आज आज एक खास बात पे मैं थोड़ा मनन कर रहा था, वो ये कि गुरुदेव की तस्वीर जीवित है, इसका रहस्य क्या है? गुरुदेव ने कहा है कि मुझे दो सिद्धियां हुई और मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, लेकिन इसका सूक्ष्म रहस्य है, ठीक है, उसका मनन चल रहा है। कभी तस्वीर की बात आई है, वैसे अभी समय हो गया बहुत, तो इसकी बात करेंगे जरूर, हाँ, ये तस्वीर वाली बात करेंगे, थोड़ा और सूक्ष्म मनन करेंगे, चेष्टा करेंगे कि वो क्यों है। गुरुदेव की खास खास शब्द है गुरुदेव का, एक उन्होंने कहा है कि ये तो निर्जीव तस्वीर है, ये सजीव पे अपना काम कैसे कर रही है। और मैं आपको बताऊं, इतना मज़ा आया मुझे वो बात मनन करके। गुरुदेव भी प्रश्न खड़ा करते हैं, यही यही इसी बात से ही वो प्रश्न खड़ा हुआ कि मेरी तो निर्जीव तस्वीर है, सजीव पे कैसे काम कर रही है, इसका अध्ययन करो, इसका पता करो, इसका विज्ञान पता करो। दो सिद्धियां मुझे हुई हैं, वो तो मैंने ऊपर से बताया है लोगों को मोटे रूप से, लेकिन उसका अंदर का विज्ञान पता करो। तो उसका जो मनन किया ना, तो मुझे बड़ा आनंद आया, वो मैं शेयर करूंगा। हो सकता है बात, तो आपको पता है ना, एक बात से दूसरी बात निकल जाती है, तो वो हम शेयर करेंगे अगले एपिसोड में, या फिर जब सत्संग होगा हमारा, इस बात पे कोई प्रश्न निकलेगा तो तस्वीर वाला फंडा भी हम बात करेंगे, डिस्कस। बड़े 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 आनंद की बात है उसमें। ठीक है, आज तो समय हो गया, तो आज प्रोग्राम यही रखते हैं। और जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। प्रकाश भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ भैया, एक बात बताओ, जिसको नशा करता है, तो नशा छूटता है, तो जब नशा उसका छूटता है, तो क्या उसको गुस्सा होता आता क्या? गुस्सा अलग चीज है, नशा जो वृत्तियां पहले तो छूटेंगी, ग्लैंड डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ ग्लैंड में भी नहीं है, वो तो इच्छा शक्ति भी है, थोड़ी सी दिमाग में भी होती है चीजें, ठीक है जी। तो हो सकता है कि उसे थोड़ा क्रोध आना शुरू हुआ हो, ग्लैंड परिवर्तन शरीर में, क्योंकि ग्लैंड अगर परिवर्तन हो रहे हैं ना जी, चेंजेस हो रहे हैं, तो शरीर में अगर चेंज हो रहा है, और गुस्सा आना भी वो ग्लैंड का ही है, वो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे रुद्र ग्रंथि आप कहते हो, उसके अधिकार क्षेत्र में है। और गुस्सा तो हर साधक को आना बहुत जरूरी है, गुस्सा आएगा बढ़ेगा तभी तो उस पर विजय प्राप्त होगी। तो इसका नशे के साथ कोई संबंध नहीं है, ये अपनी अलग से इसकी सत्ता है गुस्से की। तो नहीं, मतलब क्या है कि अब जैसे 8-1 दिन से मैं स्मोकिंग करता था पहले खूब, हाँ,
तो शुक्रवार के दिन शाम से मतलब मेरी स्मोकिंग बंद है। अच्छा, मतलब आज मुझे गुरुवार मतलब कल शुक्रवार के दिन 7 दिन हो जाएंगे, 7-8 दिन। अच्छा, मैं मतलब इतनी करता जिसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब 2-3 पैकेट पर डे। हाँ। तो मुझे मतलब उसकी 2 दिन तक तो उसकी कोई तकलीफ नहीं, ना 2 दिन तक मेरा सिर भारी रहा। मतलब 2 दिन के बाद मुझे जब मतलब 4-5 दिन से मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मतलब इतना गुस्सा मुझे पहले आता था, मतलब जब मैं सिद्ध योग में नहीं था ना। हाँ। जब आता था मुझे गुस्सा, और ऐसा गुस्सा मुझे आता ही था, पहले मेरा गुस्सा बहुत आता था, अब तो मेरे को आते ही नहीं था बिल्कुल। और अभी 4-5 दिन से मुझे गुस्सा इतना आ रहा मुझे, और ध्यान भी मेरा जो पहले लगता था आधा घंटा 45 मिनट, अब ध्यान भी मेरा 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट बस इसके बाद लगते ही नहीं, मतलब अपने आप खुल जाता ध्यान। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए तो ये अच्छी बात इसलिए है कि गुस्सा आना ये तो है अंदर वृत्ति, लेकिन उसको देखना कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आप सोचो अभी गुस्सा आया आपको, आपने गुस्सा कर दिया, सब तबाही मचा दी, और उसके 10 मिनट बाद आपने रियलाइज़ किया या आधे घंटे बाद रियलाइज़ करिए यार गुस्सा था, ये तो गुस्सा था। अब ये समय जो है ये गुस्सा आएगा और समय कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि गुस्सा अंदर होगा लेकिन बाहर आपकी इजाज़त के बिना आएगा नहीं, फिर उस पर आपकी विजय हो जाएगी। क्या है कि 4-5 दिन से मैं मेरी पत्नी से भी मतलब मेरी पत्नी से मेरी तो कभी कोई बहस ही नहीं होती, उसके ऊपर भी गुस्सा हो रहा है। हाँ। बच्चों के ऊपर भी हो रहा है, इधर ग्राहकों के ऊपर हो रहा है, दुकान के कर्मचारी के ऊपर भी हो रहा है। हाँ। और मेरे दोस्तों के ऊपर भी हो रहा है, मैं सोचता मुझे हो क्या रही है। और वो चल जाते हैं जब कुछ होता है। हाँ। उसके बाद फिर मुझे बहुत दुख होता है कि यार मेरे को जो गुस्सा आया तो आया, मेरे अंदर ये परिवर्तन कैसा रहा उल्टा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा है, ये चित्त अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है आत्मा के सामने, दृष्टा भाव के और सामने। आज आज ये एक मतलब एक जे मंगने वाले आते ना दुकान पे, तो आज एक मंगने वाली आई तो मैंने उसको पहले बहुत गुस्से में डांटा। हाँ। और फिर मैंने उससे माफी भी मांगी। मतलब मैंने उससे माफी मांगी कि मेरे हाथ गलती हो गई, ना जाने क्यों मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल रहा है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बस में था जब ये गुस्से का एपिसोड चल रहा था, जैसे आपके साथ चल रहा है अननेसेसरी गुस्सा, और बस में मैं खड़ा था और मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था, तो बस ने एकदम से ब्रेक लगाई तो वो मेरे पे गिरा और मैं आगे गिरा, तो मुझे वैसे ही बैक पेन है तो मुझे थोड़ा लगा भी बहुत ज़ोर से, और मैंने उस पर बहुत गुस्सा हो गया उस आदमी पे, ठीक है। और जैसे ही मैं गुस्सा हो रहा हूँ, गुस्सा करते करते मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि ये गलत कर रहा है तू, ठीक है, ये बस है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, वो ये गलत कर रहे हो तुम, तुम्हें दर्द है उसे पता नहीं है, ठीक है, तुम ये कैसे कर सकते हो। मैंने उसी समय अच्छा गुस्सा कर रहा हूँ मैं, और गुस्सा करते ही एकदम मेरी टोन चेंज होगी, भाई माफ कर सॉरी यार ये बस है इसमें धक्का लग ही सकता है, मतलब जो आर्गुमेंट उसे देना था वो मैं अपनी तरफ से मैंने देना शुरू किया, और वो हैरान है कि ये गुस्सा करते करते इसका रास्ता कैसे चेंज हो गया अचानक, वो इतनी जल्दी रियलाइजेशन अंदर आ गई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या कुछ है, मुझे बस अपने आप को कन्फ्रंट करके उस गुस्से को हराना है, ठीक है। तो मैंने उसी समय कन्फ्रंटेशन की, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा गलत है, हो सकता है यार, कोई बात नहीं, बैठो, मेरी पीठ में दर्द है इसलिए मैं ज़्यादा उत्तेजित हो गया, ज़्यादा तकलीफ में हो गया, लेकिन फिर भी मुझे समझना चाहिए था। तो वो आपके साथ जो एपिसोड चल रहे हैं बहुत अच्छी, इसीलिए मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मस्त जा रहे हो, कोई बात नहीं, अब देखना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अपने आप। जी, ये साक्षात्कार है प्रकाश भाई, ये तो होना ही है। हाँ वही तो भैया, मेरे को मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब गुस्सा मतलब जो 1.5 साल पहले जो चीज निकल चुकी मेरे मतलब दिमाग से। हाँ। मतलब दोस्त यार भी कहते दुकान पे गया तो पहले और अब परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन, मतलब बात करने के तरीके चेंज है, गुस्सा आना नहीं चढ़ना नहीं, पहले तो चढ़ना ही चढ़ना था और गुस्सा ही गुस्सा था पूरा डबल से 4-5 दिन। चलो ठीक है, वो हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से, वो तो मैंने कहा पूछू तो। और वो अकाउंट नंबर का क्या हुआ भैया? वो पता क्या चक्कर है, वो एक तो इसका जो टी शर्ट बहुत अच्छा डिजाइन आया है, लेकिन इसके जो शब्द है ना वो 10 मीटर से दिखाई नहीं दे रहे, 10 फीट से, तो मैंने डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोला है, और वो गुरु भाई बोल रहे 2 दिन लगेंगे डिजाइन चेंज करने में। और ये जो कपड़ा है आप तो जानते हैं, इसमें थोड़ी गर्म में नहीं पहन सकते, टी शर्ट को तो हम गर्मियों में ही पहनते हैं, तो अगर गर्म में इसको नहीं पहन सकते तो पर्पस खत्म हो जाता है, तो मुझे 2-4 दिन चाहिए, कलकत्ता की मार्केट खुल गई है, मैं कॉटन की शर्ट जो होती है ना, जो बढ़िया क्रोकोडाइल वाली जो शर्ट होती है, कॉटन पे नहीं होगा भैया प्रिंट, कॉटन पे प्रिंट नहीं होता ये, बिल्कुल नहीं हो पाएगा जो वाला प्रिंट, इस पे जो सिंथेटिक पे ही होगा प्रिंट जी। अच्छा, ओनली सिंथेटिक? हाँ, जो सिंथेटिक जो ना कपड़ा आपने पहना इस पे ही होगा, तो मेरी व्यापारी से बात हुई थी जब, उसने यही बोला था, बाकी आप जानकारी ले लेना।
अच्छा मैं जानकारी लेके फिर देखते हैं, फिर इसे कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा गर्म है कपड़ा और कुछ नहीं, सर्दियों के लिए तो ठीक है, गर्मियों में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हाँ वो कपड़ा तो ठीक है, देखते हैं, फाइनल डिसीजन ले लेंगे जल्दी ही और काम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो थोड़ा सा बेटर हो ताकि वो कंटिन्यू रहे। हाँ मैं ये सोच रहा था भैया, अगर जैसे कि मुझे मिल जाती 20-1 तारीख तक, 30 से 1 ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 30 30 चाहिए, तो मैं जरूर क्या बोलूँ। गुरुदेव की समाधि स्थल जाऊंगा 24 तारीख को पलाना। हाँ, 24 जुलाई हाँ मिल जाए। 24 जुलाई 23 तारीख को निकलूंगा मैं जहाँ से, मिल 24 जुलाई को जाएगा। ना गुरु पूर्णिमा 21 को निकलोगे ना? नहीं हाँ मैं 22 को निकलूंगा, हाँ 21 को निकलूंगा नाइट में। मिल जाएगी आपको, पक्का मिल जाएगी, मैं आप तक पहुंच जाएंगी 30 शर्ट्स निकलने से पहले। जी ठीक है, जी 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 बहुत बढ़िया। चलिए ये प्रोग्राम को यहीं रखते हैं, लगता है कुछ घमासान ज़्यादा हो गया है ग्रुप में, उस ग्रुप को बाकी सारे प्रश्न जो है मैं अभी नहीं ले सकता। बबली जी आपने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं ज़रा ग्रुप कोई को फ़ोन आ रहे हैं शायद, ग्रुप में कोई घमासान कर रहा है, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब है मैं ब्लॉक कर देता हूँ मैसेजेस को, तो फिर बाद में देख लेंगे। किस ग्रुप में आ रहे हैं? अच्छा चलिए, मैंने 5 ग्रुप बंद कर दिए हैं, श्री गुरुदेव 02, किताबें, ज्ञान वर्षा और नाथ। कोई व्यक्ति जो है डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा वो कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ऐसा करते, गलत मैसेजेस। अच्छा प्रश्न मैं ले लेता हूँ। बबली भारद्वाज जी कह रही हैं नहीं है, मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी, बहुत अच्छी है, आपने जानकारी दी है, मैं ये बात मान रही हूँ, लेकिन आपके लिए नाराज ना हो, आपके लिए मेरे बाकी 2 प्रश्न का उत्तर भी दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सजेशन की ज़रूरत मुझे नहीं है, जो कि मैं आपका वीडियो देख रही हूँ, तो बाकी जो गुरुदेव के शिष्य हैं उनके वही प्रश्न मन में हो सकते हैं जिनका उत्तर वो चाहते हों, जैसे कि आप ही कहते हैं। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, अब यह कहना चाहते हैं कि आज के बाद 8 दिन आपका कोई प्रश्न नहीं प्रश्न नहीं लूँगा शायद यही, लेकिन ये मत बोलिए गुरुदेव आपको देख रहे आपको गलत कहने से मेरा मतलब वह नहीं था जो आप समझ रहे हैं, आप मुझे इस संबंध में गलत कह रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ, बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई दुख हो।
मैं ले लेता हूँ आपके प्रश्न। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, गुरुदेव देख रहे हैं और उन्हीं का ही काम है। अच्छा, आपका प्रश्न था, गुरुदेव के जिन साधकों का ध्यान नहीं लगता, क्या गुरुदेव उनसे हमेशा नाराज़ रहते हैं और इसी तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं? नहीं, गुरुदेव कभी नाराज़ नहीं होते। गुरुदेव के साथ बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन पर भी उन्होंने अपने शिष्यों को माफ़ कर दिया। ठीक है, तो गुरुदेव ध्यान नहीं करने से या मंत्र जाप करने से ऐसे नाराज़ नहीं होते। वो मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन जब करते हैं तो थोड़ी परिस्थितियाँ, थोड़ी कटु परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि गुरुदेव हमसे नाराज़ हैं। जैसे मच्छेंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को कहा कि जाओ 12 साल तपस्या करो, तो वो उनसे नाराज़ नहीं थे। उनको अपने से दूर जब किया तो गोरखनाथ जी तो बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गए थे अंदर से, मतलब उनको फील हो रहा था कि मैं गुरु से दूर जाऊंगा, गुरुदेव ने ये मुझे 12 साल की तपस्या अपने से दूर करने के लिए क्यों कर दी। तो वो गोरखनाथ जी का सुधार की बात थी उसमें। गोरखनाथ जी बहुत पोजेसिव हो गए थे मच्छेंद्र नाथ जी को लेके, तो वो पोजेसिवनेस उतारने के लिए और गोरखनाथ जी को साधना में आगे प्रगति हो, इसीलिए अपने से दूर किया 12 साल के लिए। तो उनके लिए कठिन परिस्थिति थी गोरखनाथ जी के लिए, गुरु का नाराज़गी उनको लगती तो वो नहीं कर पाते। जब वो वापस आए तो फिर से उनको 12 साल के लिए भेज दिया, क्योंकि सुधार अभी भी नहीं हुआ था, काफ़ी शक्तियां प्राप्त हो गई साधना से, लेकिन वो सुधार जिसकी बात मच्छिंद्र नाथ जी सोच रहे थे वो सुधार आया नहीं। तो कहा जा फिर से तपस्या कर 12 साल जाके। अब आप सोचो गोरखनाथ जी क्या सोच रहे होंगे उस समय कि यार ये क्या हो गया, गुरुदेव क्या कर रहे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव कम कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कठिन आसन में बैठ तब आधी हो जाएगी। तो 6 वर्ष की तपस्या में उन्होंने कठिन तपस्या की, फिर उनमें बदलाव आया बहुत। तो जब भी कठिन परिस्थितियां पैदा होती हैं तो हमें बदलाव लाने के लिए पैदा होती है। गुरुदेव कभी भी नाराज नहीं होते, गुरुदेव सिर्फ मार्गदर्शन ही करते हैं, हर हालत में हमारा मार्गदर्शन होता है। तो नाराज़गी की सवाल पैदा नहीं होती, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो कि आपसे नाराज़ हैं कुछ है। नहीं, वो आपका मार्ग प्रदर्शन ही करेंगे, यही उनकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी ही निभा रहे हैं हर तरह से। अच्छा, एक प्रश्न था आपका कि गुरुदेव के मंत्र का जाप करते समय यदि बीच में हमारा मंत्र जाप टूट जाता है, हमारा कहीं और चला जाता है ध्यान और वापस आप मंत्र जाप करने लगते हैं, तो क्या मंत्र जाप सही नहीं माना जाएगा? नहीं, ऐसा ही होता है, मन तो भटकता ही रहता है, मन का काम ही है भटकना। ठीक है, जैसे ही आप ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो हम अपने गहराई में जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। तो हमारे अंदर तो सब शांत नहीं है, सारे विचार हैं, तो हम जाके अंदर अपने विचारों का सामना करते हैं। तो वो विचारों का सामना करना है, भटकना नहीं है। और फिर से जब हम उन विचारों को देख लेते हैं, फिर से हम मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है ध्यान की, नाम जाप की एक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद आपने एक और प्रश्न किया था कि साधक ग्रुप में ध्यान करते हैं, कुछ ऐसा था? हाँ, यदि एक साथ बहुत सारे गुरुदेव के साधक गुरुदेव के दिव्य मंत्र की जाप साधना ध्यान करें, तो क्या उसका प्रभाव सभी शिष्यों पर अकेले ध्यान करने से अधिक पड़ता है? बिल्कुल ये सही है कि ग्रुप साधना में जो ध्यान किया जाता है वो ज़्यादा प्रभाव रखता है इंडिविजुअल साधना में। इंडिविजुअल साधना में भी बहुत प्रभाव है, लेकिन जब ग्रुप में मिल के साधना की जाती है तो वो एक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। आज के ही सेशन में आप एक बीच में देखना, मुझे एक ऊर्जा महसूस हो रही है मेरा, आप देखोगे मैं थोड़ा ध्यान में जा रहा था। तो ये किस वजह से हो रहा था? ये कोई ना कोई कनेक्शन हुआ है किसी के साथ, ध्यान में हुआ है, किसी के साथ हुआ, किसी ऊर्जा के साथ कनेक्शन हुआ। तो जब हम सारे मिल के बैठ के ध्यान करते हैं एक ही समय में, तो हमारी ऊर्जाएं एक दूसरे को स्पंदित करनी शुरू करती हैं, जिससे हम सबको फ़ायदा मिलता है। इसीलिए ग्रुप ध्यान और बड़े बड़े जो नाम जाप के मठ वगैरह होते हैं, वहाँ पे मिल के साधना की जाती है। जैसे स्कूल में सुबह सुबह सारे बच्चे मिल के एक साथ प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है स्कूल में सुबह की प्रार्थना करने। तो एक साथ प्रार्थना करने से जो है वो जो संकल्प होता है ना प्रार्थना का, तो संकल्प को दृढ़ता मिलती है चेतना शक्ति को ऊपर उठाने के लिए। तो ग्रुप ध्यान में जो नाम जाप होता है, जो ध्यान लगता है, उससे संकल्प जो है वो ऊपर उठने में सहायता करता है, इसीलिए ग्रुप ध्यान का ज़्यादा विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए। दिलीप निगम बीकानेर कह रहे हैं कि मैंने ध्यान किया था, मेरा ध्यान नहीं लगा, क्या मेरे अवधूत बाबा शिवानंद जी गुरु हैं?
इसलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप अभी भी मानते हो कि आपको उनका उनका मंत्र जपना है, गुरु तो वो गुरु आपको यहाँ तक लेके आ गए सही रास्ते पे, मतलब यहाँ की दीक्षा लास्ट दीक्षा होती है, तो आपको उनको नमस्कार करना चाहिए। अगर आप दो गुरुओं को एक साथ ध्यान करेंगे तो वो काम होगा नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्वैतवाद ये जो अंदर जाते हैं ये अद्वैतवाद है, द्वैतवाद बाहर है। तो अगर आपको लगता है कि आपके गुरुदेव बाबा शिवानंद जी ही है और ये भी गुरुदेव हैं, तो दो गुरुओं के साथ आप आज्ञा चक्कर से अंदर नहीं जा सकते, एक ही गुरु के साथ जा सकते हो। तो आप ऐसा नहीं है कि आपके गुरु पहले थे तो आगे आपका कोई गुरु नहीं बन सकता। तो तो रामलाल जी ने, सियाग जी ने क्या कहा है कि दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे, 24 शायद। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका पहले कोई गुरु था तो फिर बाद में आप गुरु नहीं बना सकते। बस ये है कि जो गुरु की साधना आप कर रहे हो उसके साथ किसी दूसरे गुरु की आराधना नहीं चल सकती। तो आपके गुरु अगर शिवानंद जी हैं भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप गुरुदेव की तरफ आए हो तो शिवानंद जी को प्रार्थना करनी चाहिए आपको कि गुरुदेव यहाँ तक आप लाए, धन्यवाद, इससे आगे बढ़ने की मुझे शक्ति दीजिए, अपने गुरु श्री रामलाल जी सियाग का अनुसरण कर सकूँ, नाम जाप ध्यान पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कर सकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के पूर्ण रूप से समर्पित होकर गुरुदेव की साधना कीजिए, तब आपका ध्यान लगना जरूर शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, सूरज कह रहे हैं, आज भाग्यश्री ध्यान के दौरान भजन गाने लगी और मुझे अचानक बहुत तेज ऊर्जा उठने लगी। हाँ, वो कनेक्शन हो जाता है ना, हम जैसे मैं कई बार अपनी वाइफ से बात करता हूँ, उसे कुछ ज्ञान झाड़ता हूँ तो उसका ध्यान लग जाता है, मेरी बात सुनते सुनते उसका ध्यान लग जाता है, तो वो ऊर्जा की बात है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी समय हो गया, अभी तो 8:52 हो गया, आज लंबा हो गया सेशन। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।